السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تعالى في كلامه المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے آج کی اس کلاس میں. آج ہمارا ٹاپک ہے, क्या है टॉपिक? हमारा टॉपिक है आखिरी इशरा, बेहतरीन तरावी कैसे. ये सारे टॉपिक्स हम आज कवर कर रहे हैं. और तरावी और क़याम हम ये आज के ये दो घंटों में इंशाल्लाह 1 hour 50 minutes में हम पांच सेक्शन देखेंगे. मेरे सामने मेरा मैं क्यूए वाला सेक्शन खुला रखता हूँ, क्यूए वाला. तो अगर आपको कुछ कोई चीज़ पढ़ते पढ़ते ना समझ में आए, मैं ट्राई करूँगा कि मैं वहाँ ग्लांस कर लूँ, क्योंकि कभी कभार पॉसिबल नहीं होता है, इतने फास्ट कोई चीज आती है. बट एटलीस्ट आई ट्राई. मैं चैट नहीं ओपन रखता हूँ, आई कीप द क्यूए ओपन इन फ्रंट ऑफ मी. तो आप लोग वहां पे क्यूए में पढ़ते पढ़ते कोई चीज ना समझ में आए तो वहां पे पूछ लीजिए इंशाल्लाह, ठीक है. और ये मैं पांच सेक्शंस कवर करूंगा इंशाल्लाह. लास्ट में कुछ वक्त हमारे पास बचने की पूरी कोशिश होगी, जिससे हम कोई चीज ना समझ में आई हो तो वो क्वेश्चंस आंसर्स देख सके इंशाल्लाह. लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले. पांच सेक्शंस है आज हमारे. सबसे पहला सेक्शन हमारा है, और लास्ट 10 nights से ताल्लुक नहीं है, ये तो पूरी रमदान से ताल्लुक है. और मैं सबसे पहले आप सब स्टूडेंट्स को कहूंगा, अभी आधी रमदान गई है, ये वो टाइम है जब बैटरियां लोगों की डाउन होने लगती है, जब जज्बे जो है जो पूरे जोश और जज्बे से स्टार्ट हुए होते हैं वो अभी थोड़े से ठंडे होने लगते हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये रमदान, और हर रमदान में हमारा यही गोल होना चाहिए कि हम लाल लकुम तकून सीखें, ताकि तकवा सीखें, तकवा परहेजगारी सीखना. देखिए एक बात अंडरस्टैंड करिए कि कोई चीज को हैबिट बनने में टाइम लगता है, मतलब अल्लाह से डरने की भी हैबिट होती है, अल्लाह से नहीं डरने की भी हैबिट होती है, नमाज टाइम पे पढ़ने की हैबिट होती है, देख काम करने की आदत होती है. ये सब आदत आदत बन जाए उसके लिए क्या चाहिए मालूम है? कंसिस्टेंसी. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, अमाल में सबसे ज्यादा पसंदीदा अमाल वो है जिसमें हवा दवाम है, हमेशगी है, चाहे थोड़े से क्यों ना हो, मतलब कोई अमल थोड़ा ही क्यों ना हो, बराबर जब किया जाता है ना तो वो सबसे पसंदीदा अमल होता है अल्लाह के नजदीक, मोस्ट बिलवड. तो याद रखिए, हमेशगी का मतलब ये नहीं कि जोश में किए फिर गायब हो गए, इट मीन्स कंसिस्टेंटली करना. और हम रियली चाहते हैं रमदान से हासिल करके आगे बढ़े, पूरी लाइफ में फायदा हो, तो हमें ये पीरियड अपने आप को कमर को अच्छी कसना होगा. तो इसमें शकील भाई प्लीज कंफर्म कि जो वीडियो में प्रॉब्लम है क्या, जस्ट मुझे चैट में एक मैसेज आया है. जी ठीक है, वीडियो परफेक्ट है, परफेक्ट है, गुड इनफ अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है, तो यहाँ पे ये बात है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह. तो सवाल क्या था मेरा कि ये टाइम पे जाके हमें कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, अगर हम कमजोर हो गए तो गोल गोल ही रह गया. आपको पता है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा मिंबर पे चढ़ते हुए, मुस्नद अहमद की सही हदीस, कि बदबख्ती उस शख्स के लिए जो रमदान को पा ले फिर भी अपनी मगफिरत ना पाए. मतलब मगफिरत ना पाए, मगफिरत इज फॉरगिवनेस, कि हम फॉरगिवनेस ना पाए. और जिसे जन्नत नहीं मिली, रमदान मिली लेकिन जन्नत नहीं मिली, मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये टाइम, ये गोल हमारा है कि हम जन्नत तक पहुंचे. हमारा गोल है कि हम अपनी मगफिरत को पा ले. जो जहन्नम की आग से आजाद होते हैं लोग रोज, तो हम जन्नत वाले लोग हो जाए, जो जन्नत जाने वाले हैं, ऐसे जिन्हें दुनिया में जी रहे हैं लेकिन जिनकी जन्नत कंफर्म्ड है, ऐसे लोग हाँ जो है दुनिया में, जो जहन्नम की आग से आजाद होकर जीते हैं, सुभान अल्लाह. तो वो चाहिए, अगर तो कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली पढ़ना होगा, कंसिस्टेंट रहना होगा, ये बहुत जरूरी है. हाँ, तो ये आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का, आज की क्लास. और हमारे आज पांच गोल्स हैं इंशाल्लाह. सबसे पहला गोल ये है कि तरावी की नमाज क़याम और तरावी में आउटस्टैंडिंग कैसे पढ़ें. अब ये चीज जो हम अब पढ़ रहे हैं, और लास्ट 10 nights में ताक रातें भी हैं, और ताक रातों के अंदर क़याम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मन क़ाम रमदान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़न्बी,
जो रमदान में क़याम करेगा ईमान के साथ, सवाब की उम्मीद के साथ, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और यही सेम हदीस, मन قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, जो ليلة القدر में قیام کرے گا, इस द वॉल्यूम बताइए, जो ليلة القدر में قیام کرے گا ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, इज द वॉल्यूम बेटर नाउ, मैंने तो चेंज किया है। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम ये देखते हैं कि ليلة القدر का قیام ये खास जिक्र है, तो क़याम का ताल्लुक खास लैलतुल कद्र के क़याम का खास ताल्लुक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन रातों तक, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी की नमाज पढ़ाई थी, वो तीनों ताक रातें थी। हाँ, तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये चीज़ को देखकर मैं खास तरावी का एक खास सेक्शन आज कवर कर रहा हूँ। हालांकि टॉपिक हमारा 10 नाइट्स का है, लेकिन ये जनरल है, 15 के 15 रातों में आपको फायदा होगा। लेकिन फायदा तो तब होगा जब जज्बा होगा, अगर जज्बे ठंडे हो गए हैं तो फायदा कहाँ से होगा। तो पेट्रोल तो चाहिए ना, गाड़ी बेहतरीन हो लेकिन उसके अंदर पेट्रोल फ्यूल तो चाहिए ना। तो फ्यूल अपना एकदम हाइट पे रखिए, मैं आप सबको कहूंगा अपने जज्बे को हाई रखिए, ऊंचा रखिए कि अभी हमें हासिल करना है। अभी भी अभी तक हैबिट बनने में, आपने देखा कि मॉडर्न स्टडीज में क्या आया है कि कोई चीज आदत बनने में वेरिएबल पीरियड है। कुछ लोग कहते हैं 21 डेज, 60 डेज, मतलब कुछ आदतें बनने में 20 डेज में आदत बन जाती, कुछ आदतें बनने में 30, 40, 50, 60 डेज तक लगते हैं। तो हमारे 30 डेज रमजान के तो मिल जाएंगे माशाल्लाह एक आदत बनाने में। आदत का मतलब क्या है ना, उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, एक इंसान ऑटोमेटिकली वो नेकी करेगा इंशाल्लाह। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सेक्शन, तरावी और क़याम, क़याम को आउटस्टैंडिंग कैसे बनाएं। मतलब जो तरावी की नमाज पढ़नी है, क़ियामुल लैल करना है, इसको आउटस्टैंडिंग कैसे बनाएं। मतलब एक है नमाज पढ़ लिए, एक होता है इतनी खूबसूरत पढ़े कि रमजान पूरी, रमजान का वो नूर है वो तरावी, मतलब बेहतरीन तरावी कैसे पढ़े। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं सूरह 25:64 से। अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लदीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदा व क़ियामा, जो रात गुजारते हैं हाँ सजदा करते हुए और क़ियाम करते हुए। तो जो रात गुजारते हैं सजदा करते हुए, क़ियाम करते हुए, अल्लाह के इबादुर्रहमान, अल्लाह के रहमान के बंदों की खसूसियत है कि वो सजदा क़ियाम करते हुए, मतलब उनकी ज़िंदगी में क़ियामुल्लैल का बहुत खास मकाम होता है। और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत प्यारी सी हदीस मैं आप सबको सुनाऊंगा, मनिस्तय कज़ा मिन अल्लैल, जो आदमी रात में जागे, वह ऐ कज़ा इमरातहु, अपनी बीवी को जगाए, फसल्लिया रकअतैनि जमीअन, दोनों ने मिलकर 2 रकात पढ़ी, कितनी 2 रकात पढ़ ली, 2 रकात, कुतिबा लैलतीज़िन मिन ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन व ज़ाकिरात, उस रात लिखा जाता है कि ये दोनों, ये जो हस्बैंड वाइफ है, ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन व ज़ाकिरात में से, अल्लाह का जिक्र कसरत से करने वाले मर्द और औरतों में से ये 2 लोग हैं। क्या किया उन्होंने, 2 रकात साथ में पढ़ लिए। तो इसमें एक बात तो जमीअन साथ में पढ़ने की फजीलत मिल रही है, जमात से घर में पढ़ने की फजीलत मिल रही है, और हस्बैंड उठे और बीवी को उठाए। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास जो हस्बैंड्स के मैट्रिमोनियल जो आते हैं, तो मैं चाह वो कहते हैं मेरी बीवी ऐसी हो जो मुझे जगाए, वो ये कहते हैं अक्सर हस्बैंड्स। लेकिन यहाँ पे हदीस में जो हस्बैंड जागे बीवी को जगाए वो जिक्र है। एनीवे बात यह है कि दोनों साथ में जमीअन साथ में पढ़े और 2 रकात भी पढ़ लिए, तो ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरो व ज़ाकिरात में गिनती हो जाएगी, सुभान अल्लाह। हाँ, तो ये बस एक इंट्रोडक्शन के तौर पे मैंने बताया। स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरावी की नमाज और क़याम कैसे। मैं आपके सामने चंद पॉइंट्स रखने वाला हूँ। फर्स्ट, उस पारे का तर्जुमा पढ़ कर पढ़े, मतलब तर्जुमा पढ़ लें और फिर वो पढ़ें। इससे क्या होता है कि आपका खुशू का लेवल बहुत हाई हो जाएगा, अगर आप समझ रहे हैं आप क्या पढ़ रहे हैं, यू आर मूव्ड बाय द वर्सेस ऑफ द कुरान, जो कुरान की आयतों का असर होता है दिल पर, वो असर हो तो फिर वो तरावी आउटस्टैंडिंग होने में फर्स्ट जरिया है कि वो समझने की कोशिश करें। और मैं आपको उभारूंगा, अगर आप वर्ड टू वर्ड वाला कुरान ट्रांसलेशन पढ़ें, जैसे मैं जो ऐप शाम में कुरान स्टडी क्लास में भी यूज करता हूँ, उसके अंदर वर्ड टू वर्ड फीचर भी है। वर्ड टू वर्ड में क्या होता है, वो लफ्ज़ का माना हम समझने लगते हैं, और उससे क्या होता है कि आप जब पढ़ेंगे तो वो वर्ड्स क्या कहे जा रहे हैं उसकी मीनिंग डायरेक्टली, अल्हम्दु का मतलब तारीफ, सब तारीफ, हाँ, लिल्ला अल्लाह के लिए। तो ये समझने की कोशिश करें, तर्जुमा पढ़ के जाएं, दैट्स द बेस्ट, ये फर्स्ट। सेकंड, और फर्स्ट की हम पहले एक दलील देखते हैं, ये दलील से हम इस बात की अहमियत समझेंगे। कौन सा ऐप शकील भाई, जरा आप लिंक डाल सकते हैं उस ऐप का, इदा नईसा हदकुम वहुवा युसल्ली, अगर तुम में से कोई ऊंग में हो और नमाज पढ़े, नमाज पढ़ रहा है ऊंग में, नींद आ रही है, नमाज पढ़ रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फलियरकुद, उसे चाहिए जाके सो जाए।
हत्ता यह जबान हो नौम, यहां तक आके उसकी थोड़ी नींद चली जाए, मतलब थोड़ा नींद चली जाए उतना तो सो के फ्रेश हो जाओ पहले। फैनाहदकुम इदा सल्ला, क्योंकि अगर उनमें से कोई, अगर तुम में से कोई अगर नमाज पढ़ता है, वह हुआ ना इसुन और वो ऊंग में हो, ला यदरी उसे नहीं पता, लअल्लहु यज़हबु यस्तग़फिरु फयसुब्बु नफ्सहु, उसे नहीं मालूम है कि वो अल्लाह से माफी मांग रहा है, अपने अपने आप को ही बुरा बुरा बोल रहा है, मतलब नींद में जो क्या कह रहा है वो अल्लाह से माफी मांग रहा है, या फयसुब्बु नफ्सहु अपने आप को बुरी बुरी बातें बोल रहा है, सुब्हानहू बिल्ला। मतलब ये देखिए मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि इसके अंदर एक बात का यहाँ क्या ख्याल रखें कि हम लोग पढ़े तो समझे ये मीनिंग है, यहाँ पे हदीस के अंदर क्या पढ़ रहा है समझ में आए। तो ये ऊंग के ताल्लुक से एक हदीस थी, जो जनरली भी एक पॉइंट है कि थोड़ा सा फ्रेश रहने की कोशिश करें, तरावी अगर क्वालिटी पढ़नी है तो नींद को मैनेज करें, और नींद को मैनेज करने में कैलुल्ला करने से ना दोपहर में थोड़ी अगर नींद ले लिए तो रात में ज्यादा ताकत बढ़ जाती है, क़ियामुल्लैल तरावी की ये ताकत बढ़ जाती है। तो अपनी नींद को मैनेज करें, और कैसे मैनेज करते हैं आप देखिए इंशाल्लाह, ताकि नींद में ऊंग आएगी तो कैसे हम नमाज अच्छी पढ़ पाएंगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आउटस्टैंडिंग तरावी के लिए। और बेहतरीन तरावी कैसी पढ़े उसके लिए मेरा सेकंड टिप ये है कि कम से कम खुलासा जाने। ये एक बहुत बेहतरीन किताब है शेख अरशद बशीर मदनी की, अहदाफ असबाक, अहदास अहदाफ असबाक कुरान। इसके अंदर कुरान के जो पारे हैं, सुराज है, सुराज सुरा टू सुरा, उसके क्या गोल्स है, ये सुरा का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके अंदर क्या क्या लेसन्स है, असबाक यानी सबक से आता है, जमा है असबाक सबक, उसके अंदर क्या क्या लेसन्स हैं, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। ये बहुत बेहतरीन बुक है, ये इससे पहले तो उर्दू और रोमन में थी, लेकिन अभी चंद दिन पहले ही इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आया। इंग्लिश ट्रांसलेशन थोड़ा सा पुअर ट्रांसलेशन है, लेकिन बात समझ में आ जाती है कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बुक पीडीएफ डाउनलोड अवेलेबल है और आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं ये शकील भाई को सेंड कर देता हूँ अभी, ताकि वेरी वंडरफुल बुक है माशाल्लाह। और इसमें अगर थोड़ा सा 20 मिनट निकाल के अगर आप वो पारे का खुलासा पढ़ लेंगे तो भी एक अच्छी चीज़ है। और इसके अंदर आप हमारी कुरान स्टडी क्लास भी ज्वाइन करेंगे तो भी आपको बाज आयतों का पता चलेगा, तो ताकि वो पढ़ेंगे कम से कम उतना तो इंशाल्लाह फायदा होगा। तो ये भी एक चीज़ है, ये है सेकेंड चीज़। थर्ड, तरावी अच्छी पढ़ने के लिए इफ्तार थोड़ा सा लाइट होना तो तरावी और अच्छी पढ़ पाते हैं। इफ्तार बहुत भर भर के खा लिए तो तरावी के टाइम पे क्या होता है, सजदे में गए, हाँ तो सजदे में गए तो क्या होता है, सजदे में गए तो फिर सांस लेने की जगह नहीं बची होती, खाना पूरा भरा हुआ है, खाना पानी फुल स्टमक फुल है, एक तिहाई हवा के लिए छोड़ने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर क्या होता है कि वही डकार लेना आदमी शुरू करता है, फिर डिफिकल्टी होती है। तो बेटर तरावी पढ़ने के लिए थोड़ा सा लाइटर इफ्तार करना, ये अच्छी आइडिया है और हमें करना चाहिए, ये एक अच्छी चीज़ है। एक मिनट मैं ये बुक सेंड, अच्छा एक काम करो आप लोग नेट पे सर्च कर लो, मैं थोड़ा क्लास खत्म होगी तभी दूंगा। ज़रदा हमने ग्रुप में ये बुक शेयर कर चुके हैं, वो सबसे रमजान के इंग्लिश में जाएंगे, इंग्लिश वाली नहीं, इंग्लिश वाली भी आएंगे, अच्छा इंग्लिश वाली भी आएंगे, हाँ इंशाल्लाह। तो मैं थोड़ा फिनिश करके दूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट, जमात से पढ़ना, क्योंकि जमात से पढ़ने की खास फजीलत है। ये देखिए हदीस, मन कामा माल इमाम, जो इमाम के साथ क़याम करे, यानी फी सलाते तरावी, यानी कि तरावी की नमाज में, हत्ता यंसरिफा, यहां तक आके इमाम नमाज पढ़ के पलटा, नमाज पढ़े पढ़ा पलटा फारिग हुआ, कुतिबा लहू क़ियामु लैलतिन, उसके लिए पूरी रात का क़याम लिखा जाता है, यानी इमाम के साथ में जब पढ़ते हैं तो पूरी रात का क़याम लिखा जाता है, सुभानअल्लाह। यानी कि आपने पढ़े होंगे वन आवर वन एंड हाफ आवर, लेकिन पूरी रात पढ़े लिखा जाता है अजर अगर आप इमाम के साथ पढ़े। तो एक और ऑप्शन है कि कोई नहीं है तो भाई खुद इमाम बन जाओ, किसी को पीछे खड़ा कर दो तो बन जाओगे मन कामा माल इमाम, इमाम के साथ कामा माल इमाम की हदीस के की सवाब भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अभी जब जमात से नमाज की बात हो रही है तो मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पोल में जो पोल मैंने शकील भाई को देना भूल गया था और अभी याद आ रहा है, शकील भाई आप ये पोल जरा रेडी बना दो जल्दी से। अच्छा, मैं बनाता हूं। सवाल क्या है, सवाल आप लोग सुन लो ताकि जब पोल आ जाए तो आप लोग फौरन जवाब दे दो, फौरन के फौरन। नमाज में ज्यादा खुशू इनमें से किस में मिलेगा, कौन सी सिचुएशन में मिलेगा? मतलब फर्स्ट, सबसे आलीशान मस्जिद, यानी आपके शहर की सबसे ब्यूटीफुल, सबसे बड़ी, सबसे आलीशान मस्जिद में सबसे ज्यादा खुशू मिलता है। मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक, क्या सही जवाब है कि कौन सी नमाज मस्जिद, कौन सी नमाज में ज्यादा खुशू मिलेगा, कहाँ ज्यादा खुशू मिलेगा? फर्स्ट ऑप्शन, सबसे आलीशान मस्जिद में सबसे ज्यादा खुशू। लोग बोलते हैं, बोले वो जो फला मस्जिद है ना, इतनी ब्यूटीफुल मस्जिद है, वहां जाके पढ़ते हो तो खुशू, पूरा खुशू भर जाता है दिल में, मतलब बहुत बेहतरीन नमाज हो जाती है, मस्जिद इतनी खूबसूरत कि देख के पूरा खुशू आ जाता है। ये फर्स्ट ऑप्शन।
सेकेंड ऑप्शन जहां बेहतरीन तिलावत, मतलब जहां तिलावत पढ़ने में इमाम ऐसे होते हैं ना, इमोशन होता है उनके, उनकी उनकी तिलावत में इमोशन मौजूद होता है, सुनकर रोने का दिल कभी चाहता है, मतलब तिलावत इतनी ब्यूटीफुल होती है कि सुभान अल्लाह ईमान बढ़ जाता है, तो ये सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन दोनों, आलिशान मस्जिद भी और बेहतरीन तिलावत भी, हाँ बेहतरीन तिलावत भी और आलिशान मस्जिद भी। तो व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर? शकील भाई जब तक पोल दे रहे हैं तो तीन ऑप्शन आपके सामने है, अभी जब तक पोल आ रहा है तब तक मैं एक काम करता हूँ, वो बुक भेज देता हूँ शकील भाई को, ताकि इंशाल्लाह जस्ट वन मिनट, एक मिनट का ब्रेक है मेरे लिए भी। लास्ट ईयर के इसमें इंग्लिश में पोल है, सो जस्ट चेकिंग। चलेगा शकील भाई, आप कोई भी लैंग्वेज में दे दो। अच्छा अच्छा ओके, आई एम डूइंग इट। यू वांट? नो आई एम डूइंग इट। कोई सवाल हो तो भेज दीजिए, अभी मैं सवाल भी ले लूंगा, अगर अभी एक मिनट और बची है तो, तब तक मैं ये भेज दूं पहले। चलिए मैं सवाल देख रहा हूँ, सवाल में आवाज कट हो रही है, ओम बुक सेंड कीजिए। ठीक है, औरतों को औरतों की तरावी पर थोड़ा क्लैरिफिकेशन, औरतों की तरावी क्लैरिफिकेशन, यस यस औरतों की तरावी का क्लैरिफिकेशन आ रहा है इंशाल्लाह। इमाम बहुत तेज पढ़ता है, एक वर्ड समझ में नहीं आता है, एक वर्ड समझ में नहीं आता है तो वहां खुशू का क्या हाल होगा? लेकिन खूबसूरत मस्जिद हो तो सोचो जरा, सोच के जवाब देना। ठीक है, तरावी तहज्जुद कायमुल्लैल, ओके आने वाले सवाल का जवाब। जमात में बहुत आवाज के साथ नमाज पढ़ सकते, बड़ी यानी आप बात कर रहे हैं कि कोई बहन पढ़ाए, बहन पढ़ाए की बात है, तो अगर सिर्फ बहनें ही मौजूद है तो पढ़ा सकती है, अगर सिर्फ बहनें मौजूद है, बहनें जब पढ़ाती हैं इमामत करती तो एक लाइन में खड़ी रहती है, इमाम आगे नहीं होती, आपको पता होगा शायद। ओके, और किसी का सवाल है तकलीफ की वजह से तरावी ना पढ़े, तो एक जिसके पास तकलीफ है ना, जो बीमार है वो नॉर्मली क्या करता, उसे वो अजर मिलता है, जो बीमार है वो नॉर्मली क्या पढ़ता तो वो अजर उन्हें मिलता है। लेकिन सवाल क्या है, मान लो कि कोई शख्स नॉर्मली तरावी पढ़ते थे, अच्छी तरह से पढ़ते थे, तो उन्हें उस मुताबिक अजर मिलेगा, उस मुताबिक अजर मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो मतलब आप समझ गए कि कोई मुसाफिर है, अभी तरावी पढ़ने मौका नहीं मिल रहा है, कोई बीमार है तरावी मौका नहीं मिल रहा है, वो नॉर्मली क्या करते हैं, उनको वो अजर मिलेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बात अल्लाह की तरफ से रहमत है। लेकिन कितना कर सकते हैं, कोशिश करें, अगर दो रकात पढ़ सकते हैं तो दो रकात पढ़ लें, हल्की रकात पढ़ सकते हैं तो हल्की पढ़ लीजिए, बैठ के पढ़ सकते हैं बैठ के पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके हालात के हिसाब से आपको उसका सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, जो ये सवाल है ना कि इमाम अगर अच्छा नहीं है आपके आसपास तो क्या करें, तो क्या करें, अगर आपको इमाम के पीछे कुछ एक वर्ड समझ में नहीं आता, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि मैं कहीं ऐसे तरावी में पहुंचा, इमाम क्या पढ़ रहा है एक वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, इतना फास्ट और अनक्लियर रेसिटेशन, और बाज लोग डिमांड करते हैं ना तरावी फास्ट खत्म हो जाए, फास्ट खत्म हो जाए, वो चक्कर में बेचारे इमाम भी जल्दी में होते हैं, और कई बार मुक्तदी जो होते हैं इमाम की स्पीड कंट्रोल करते हैं, औज़ु बिल्लाह, यानी ये हाल चल रहा है, ये अफसोस की बात है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या करना बेहतर है, तो बेहतर ये होता है कि क्या ऑप्शन बेहतर है ना, वो आगे जवाब आने वाला है, हाँ आगे जवाब आने वाला है। ये लीजिए, आपके सामने सवाल आ चुका है, तीन ऑप्शन में से एक चूज करिए, मैं जानना चाहता हूँ क्या आपको लगता है सही ऑप्शन है, हाँ जो भी सही लगता है वो बताओ। शायद आप लोगों को आज थोड़ा सा ताज्जुब होगा बाज लोगों को जो मैं देख रहा हूँ वोटिंग में। ओके, फाइव सेकेंड्स, फाइव, 4,
थ्री टू वन एंड पोलिंग। ओके, तो रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर है और मैं देख रहा हूं कि हमारे 81% स्टूडेंट्स ने कहा कि बेस्ट तिलावत जहां है, 18% ने कहा कि दोनों ब्यूटीफुल मस्जिद बेस्ट तिलावत, और एक है किसी 1% ने ये भी कहा है कि ब्यूटीफुल मस्जिद। हाँ, तो आइए हम लोग देखते हैं इसका सही जवाब, और शायद आपको ताज्जुब होगा ये जवाब देखकर। ये देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा उमिरतु बितशयीदिल मसाजिद, मुझे मस्जिदों को बुलंद और खूबसूरत बनाने का हुक्म नहीं दिया गया, मुझे यह हुक्म नहीं दिया गया। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने इस हदीस की कॉमेंट्री में समझाया, लतुज़ख़रिफ़ुन्नहा कमा ज़ख़रफ़तिल यहूद वन्नसारा, कि तुम अपनी मस्जिदों को खूबसूरत बनाओगे जैसे यहूद नसारा ने अपनी इबादत गाहों को खूबसूरत बनाया। ये हदीस सुनन अबू दाऊद में सही है। यानी कि मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक्चुअली ये जो मस्जिदों को खूबसूरत बनाना, आलीशान बनाना, पैलेस मस्जिद का ट्रेंड जो है ना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों में से नहीं है। और होता क्या है कि नमाज मस्जिद सिंपल हो लेकिन खुशबू जो है मस्जिद की खूबसूरती से कोई असर नहीं पड़ता, नहीं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बताए होते। हाँ, तो कुछ भी असर नहीं होता है इससे, ये बात को याद रखिए। और ये चीज साबित नहीं है, यानी मस्जिदों का आलीशान। तो कौन सा ऑप्शन सही है, जवाब कौन सा सही है? ये सेकेंड ऑप्शन सही है, जहां पे बेहतरीन तिलावत हो, तिलावत अच्छी हो, वहां पे हमारा भी खुशबू बढ़ता है उसके अंदर। हाँ, याद रखिएगा इस चीज को। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन कारी जहां है वहां पढ़े, यानी ये है सही जवाब। अच्छा, नेक्स्ट, इत्मीनान वाली नमाज पढ़ना, इत्मीनान, हाँ, सुकून वाली। आप देखिए हदीस इस बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अन मुगीरा रदिल्लाहु अन्हु क़ाला क़ामा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता तवर्रमत क़दमाहु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियामुल लैल करते यहाँ तक आके उनके पांव सूज जाते। फ़क़ीला लहू ग़फ़रल्लाहु लका मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिक व मा ताख़्खरा, अल्लाह ने आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ किया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यानी फिर आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, अगले पिछले सारी जो भूल है वो माफ अल्लाह ने कर दिया है, तो आप क्यों इतनी इबादत कर रहे हो इतना ज्यादा पांव सूज जाने तक? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब था, अफला अकुनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? हाँ, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तो हम अगर शुक्रगुजार बंदे हैं तो हम अल्लाह ताला के सामने लंबा क्याम करें, सजदे लंबे करें, इत्मीनान और सुकून वाले करें, जिसके अंदर सवाब बहुत ज्यादा मिलता है, इसके अंदर असल मकसद हासिल होता है। और नेक्स्ट, अगली चीज, ईमान। तरावी अच्छी कैसे बनेगी? ईमान की वजह से, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मन قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, जो قیام करे रमदान में ईमान के साथ, मतलब तरावी सिर्फ बॉडी नहीं है, ईमान है हमारा, वहां पे हमारा ईमान है, ईमान के साथ हम खड़े, अल्लाह पे ईमान है इसलिए खड़े हैं वहां पर, अल्लाह के सामने खड़े हैं, क्यामत के दिन खड़े रहना है, हम दुनिया में खड़े होकर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, शुक्रगुजार बंदे बनना गोल है, अल्लाह ताला की रजा तलब कर रहे हैं, जन्नत में अल्लाह ताला का कुर्ब तलब कर रहे हैं, अल्लाह के करीब आना। और इहतिसाब, इसी हदीस में क्या वर्ड आया, इहतिसाब। इहतिसाब का मतलब क्या है? इहतिसाब का मतलब है सवाब की उम्मीद। देखिए क्या होता है, जैसे अगर मान लो लाइफ स्कोर होता हमारा कि आपका ईमान, आपका सवाब का स्कोर इतना, आपका सवाब का स्कोर इतना, अब ये मिलेगा, मतलब होता है ना कि भाई तुम्हारे पॉइंट्स इतने हो गए, अब तुम इस चीज के लिए क्वालिफाई हो गए, अब तुम जन्नत के ये लास्ट लेवल के लिए इतना क्वालिफाई हो गए हो, अभी तुम उससे थोड़ा और ऊपर गए, ये सब दिखता नहीं है स्कोर हमें, स्कोर ऑब्वियसली कुछ स्कोर दिखता नहीं है। तो यहाँ पे क्या दिखता है हमें, हमारे हमें दिखता नहीं है कि भाई मेरा स्कोर क्या है, आपका स्कोर क्या है, बोलो, मालूम है आपको कि मेरा स्कोर इतना हो गया, ये रमजान में, रमजान से पहले इतना स्कोर था, रमजान के बाद इतना हो गया। तो ये इहतिसाब क्या है, सवाब की उम्मीद, कि मैं जो कर रहा हूं ना ये ऐड हो रहा है तराजू में, तराजू में ऐड हो रहा है, इहतिसाब इसे कहें। बाज लोग एक उल्टी बात बोलते, बोलते नेकी कर दरिया में डाल, क्या दरिया में डाल, इहतिसाब का ऑपोजिट है वो, इहतिसाब यानी सवाब की उम्मीद, कि हमें उम्मीद है कि मैं ये कर रहा हूँ पूरा सवाब मिलेगा, अल्लाह ताला कोई चीज जाया नहीं करेगा बंदी की। हाँ, तो यहाँ पे इहतिसाब सवाब की उम्मीद, तो अगर ये दो चीज होगी, ईमान और सवाब की उम्मीद, क्योंकि सवाब की उम्मीद जब होती है ना, इहतिसाब जब होता है ना, तो एक ताकत आ जाती है। हाँ, अब देखो एक आदमी धूप में लेके कोई अपने अपने गुड्स बेचने निकलता है, पूरी धूप है, कड़ी धूप में अपने गुड्स को लगाया हुआ है, एक कस्टमर नहीं आया है, लेकिन क्यों है, कस्टमर की उम्मीद, वो वहां पे सेल की उम्मीद, प्रॉफिट की उम्मीद, हाँ, पैसे ले जाने की उम्मीद, वो उम्मीद से वो मेहनत कर रहा है, एक आदमी धूप में जाके आइसक्रीम बेच रहा है हो सकता है, लेकिन क्यों बेच रहा है, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, पैसे की उम्मीद। अब यहाँ ये होता है कि मिलेगा पैसा तो मिलेगा,
लेकिन यहाँ क्या है, उम्मीद से काम करता है आदमी। तो यहाँ पे हम जो कर रहे हैं, हमें हमारा क्या मिला प्रॉफिट, हमें तो कयामत के दिन मालूम पड़ेगा कि ये फला रमदान में मैं नमाज पढ़ा था, उससे माशाल्लाह मेरे इतना अकाउंट मेरा अच्छा हो गया, इतने सारे पहाड़ के पहाड़ नेकियां मुझे दिख रही है, ये फला रमदान की नेकियां दिख रही है। वो कयामत के दिन तो हम देखेंगे, जर्रा जर्रा देखेंगे, तो पहाड़ पहाड़ तो देखेंगे ही ना, क्या क्या मिलेगा, हर एक चीज जर्रा जर्रा देखेंगे। तो एहतिसाब होना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, जिस्म में फुर्ती आ जाती है, ईमान एक अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी तरह से नमाज पढ़ने का एक जज्बा और बढ़ जाता है। हा? और आखिरी 10 दिन हो तो थोड़ा ताखीर से करना, यानी क्योंकि आगे का जो हिस्सा है ना वो बेहतर हिस्सा होता है, रात में आगे जो हिस्सा है और वित्र के ताल्लुक से हदीस आने वाली है वो बेहतर हिस्सा होता है, लास्ट का आखिरी एक तिहाई हिस्सा और बेहतर होता है। तो कम से कम कोशिश करें लास्ट 10 नाइट्स में, और बहुत से जगहों पर मस्जिदों में लास्ट 10 नाइट्स में थोड़ा कुछ रकात पढ़ के फिर बाकी की रकात एंडिंग में पढ़ते हैं। हाँ, और आयतों का जवाब देना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये तरावी के ताल्लुक से एक सुन्नत है जो लोगों के इल्म में नहीं है, आम लोगों के अवाम के इल्म में नहीं है, लेकिन हकीकत में ये आप जब अकेले में जब कर रहे हैं ना तो बहुत आसानी से कर रहे हैं, इमाम के साथ कर रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल से कर सकते हैं, लेकिन ये तरीके साबित है। क्या साबित है, आप ये देखिए, ये बिल्कुल ये किताब है इस मौजू पर, शेख किफायतुल्लाह सनाबिली की, ये उसका डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, आपको पीडीएफ मिलेगी तो लिंक भी मिल जाएगा, है ना। तो ये किताब आप डाउनलोड कर सकते हैं, कुरानी आयतों का जवाब। इसके अंदर ये बताया गया है कि कुछ आयतें जो होती, जैसे सब हिस्मा रब्बिकल आला, ये क्या है, अल्लाह की पाकी बयान करो जो सबसे आला है, तो ये एक हुक्म है पाकी बयान करो। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, रात की जब नमाज में होते और जब ऐसा कोई हुक्म आता तो सुभान रब्बिल आला, या जब जब जहन्नम का जिक्र आता तो जहन्नम से पनाह मांगना कि अल्लाहुम्मा इन्नी औदु बिका मिनन नार, अल्लाह जहन्नम की आंख से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, जहन्नम का डिस्क्रिप्शन सुन रहे हैं, जन्नत का डिस्क्रिप्शन सुन रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुकल जन्ना, यानी तिलावत करते करते अल्लाह से दुआ करना, ये साबित है, ये साबित है। और ये जैसे बाज औकात तो कुछ चीजें हैं, जैसे ये कुछ है जो, तो ये 6 मिसालें हैं जहां पर तो डायरेक्टली साबित है पढ़ना, लेकिन ये दिन में नहीं है, जो ये जैसे बाज लोग जुमा में भी करने लगते हैं वो साबित नहीं है दिन में, बाकी नमाजों में नहीं है, ये क़यामुल लैल की सुन्नत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने सुना, अपने कानों से सुना, उन्होंने बयान किया कि जब भी ऐसी कोई आयत आती जहां पे अल्लाह के अजाब से पनाह मांगना है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगते, और इस तरह से जब जब अल्लाह की तारीफ बयान करने कहा गया तो तारीफ बयान करते अल्हम्दुलिल्लाह, सब जब पाकी बयान करने कहा जाए तो पाकी बयान करते। तो ये क्या होता है इंटरेक्शन, ये भी एक तरीका जो मैं बता रहा हूँ, एक सुन्नत है जो लोगों को अक्सर लोगों को नहीं पता होता है। जी ठीक है, तो और लास्ट में सजदे में दुआ करना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि बंदा सबसे करीब अल्लाह के कब होता है, जब वो सजदे में होता है, तो सजदे में दुआ करने से क्या होता है, सवाब बढ़ता है। तो ये मेरे भाइयों मेरी बहनें, ये बेहतरीन तरावी के कुछ टिप्स थे। अभी इसमें मैं जानता हूँ कि कुछ मसाइल है, तो आइए कुछ मसाइल देख लेते हैं। सबसे पहले कितनी रकातें तरावी की, कितनी रकातें, तो मैं आपको इस बारे में ये हदीस बताना चाहता हूँ, ये हदीस सही बुखारी में है, अन अबी सलमा बिन अब्दुर्रहमान अन्नहु साला आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, ताबई अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान वो कहते हैं कि मैंने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से सवाल पूछा, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से सवाल पूछा, कैफ़ कानत सलातु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज, इन्हें रात की नमाज की बात हो रही है, फ़क़ालत मा काना यज़ीदु फी रमदान वला फी गैर रमदान अला इहदा शरत रकअतन, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमदान में और गैर रमदान में 11 रकात से ज्यादा नमाज नहीं पढ़ा करते थे, युसल्ली अरबान 4 पढ़ते, 4 किस तरह से, यानी 4 का एक सेट होता, 2-2 रकात ही पढ़ते, वो दूसरी हदीस में आता है, तफसीर है मौजूद, लेकिन 4-4 का सेट होता। तरावीह आपको बता दूं मैं, वर्ड राहा से आता है, मतलब कि वेट करके इत्मीनान लेकर नमाज पढ़ी जाए, मतलब ये 4-4 रकात में थोड़ा सा इत्मीनान होता दरमियान में। हाँ, तो युसल्ली अरबान 4 रकात पढ़ते, फला तसअल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना, पूछो भी मत उसकी खूबसूरती उसकी लंबाई के ताल्लुक से, इतनी खूबसूरत और इतनी लंबी नमाज। सुम्मा युसल्ली अरबान, फिर 4 रकात पढ़ते, फला तसअल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना, उनकी खूबसूरती उनकी लंबाई के ताल्लुक से पूछो भी मत। सुम्मा युसल्ली सलातन, फिर 3 पढ़ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इस तरह से 11 रकात पढ़ते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो 11 रकात पढ़ते और 11 रकात से ज्यादा रमदान में गैर रमदान में नहीं पढ़ते, ये आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से हमें मिलता है, और ये रात की नमाज। और जाहिर सी बात है, आप खुद सोचो, हमें सहाबा से मिलता है कि कितने लंबा क़याम होता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यानी एक रकात में पूरी सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह आले इमरान, पूरी एक ही रकात में, सुभान अल्लाह। तो यानी आप सोचो, यानी यहाँ पे ये क्वांटिटी वाली रकातें नहीं, क्वालिटी वाली चंद रकातें
ये था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज और तरीका, हाँ 11 रकात। और लोग आमतौर पर उमर रदिल्लाहु के तालुक से कहते हैं, लेकिन अगर आप मुअत्ता इमाम मालिक खोले उसमें रमदान में क़याम के तालुक से जो जो सेक्शन है उसमें देखेंगे तो हद्दतनी अन मालिक अन मोहम्मद बिन यूसुफ, इमाम मालिक बयान करते हैं, किससे बयान करते हैं, मोहम्मद इब्न यूसुफ से बयान करते हैं, हाँ मोहम्मद इब्न यूसुफ, अन साहिब इब्न यजीद, मोहम्मद इब्न यूसुफ एक मोतबर रिलायबल रावी है, वो साहिब इब्न यजीद से बयान करते हैं, अन्नहु काला अमरा उमर, वो साहिब इब्न यजीद सहाबी है, साहिब इब्न यजीद सहाबी है, उन्हें वो कहते हैं अन्नहु काला उमर अमरा उमर, उमर रदिल्लाहु ने हुक्म दिया उमर इब्न अल-खत्ताब ने उबई बिन काब व तमीम अद्दारी, उबई बिन काब को तमीम अद्दारी को, ये दोनों कौन थे, इमाम थे, तरावी में इमाम थे, एक जेन सेक्शन में थे एक लेडी सेक्शन में थे, अन यकूमा लिन्नासी बी इहदा अशरता रकातन, कि वो लोगों को 11 रकाते पढ़ाए, ये उमर रदिल्लाहु ने ये हुक्म दिया। तो जो लोग कहते हैं ना अक्सर के 20 रकात का हुक्म दिया, हकीकत में ये सही सनद से हदीस है, और अगर आप ये टॉपिक पे स्टडी करना चाहते हैं ना ये चीज, ये मौजू पर उमर बिन खत्ताब ने कितनी रकातों का हुक्म दिया था, हमें दो कन्फ्लिक्टिंग नरेशन मिलते हैं, एक 11 रकात के नरेशन भी मिलता है और बाज जगह पे जैसे आप ये देख रहे हैं ना 20 रकात 23 रकात का भी मिलता है, लेकिन जो 20 और 23 रकात की जितनी भी सनदें हैं उसके अंदर कोई भी सही सनद नहीं मौजूद है, आप ये सारी ये देख रहे हैं कोई भी सही सनद नहीं मौजूद है, जो सही सनद वाली जो है 11 रकात वाली आप देख रहे हैं 11 और 13, हाँ 11 और 13, तो 13 के ताल्लुक से ये बात है कि दो हल्की रकातें हमें मिलता है कि वितर के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते, तो ये 13 हो सकता है, और बाज लोगों ने जो ये 13 रकातों का जिक्र किया है, तो हम देखते हैं 11 और 13 की, 11 की मोस्टली सनदें सही है, सब सब देख रहे हैं ग्रीन में जो देख रहे हैं ना 11 की है, और 20 में जो है वो सारे रकातों, ये सब रावियों पे किसने एतराज किया है, आप और मैं नहीं, हदीस के जो फन के मुहद्दिसीन हैं वो बयान करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आप देखेंगे जो जो रावी बयान किए जाते हैं कि तो वो रावी पैदा ही नहीं थे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में, जो बयान कर रहे हैं 23 रकात पढ़ाने का, वो रावी वहां मौजूद ही नहीं थे, और वो जब मौजूद नहीं थे तो उन्होंने किसी से तो सुना है, और वो कौन है, अननोन रावी, ये सनद में ब्रेक है, इंतका है, ये साइंस ऑफ हदीस की बात है, ये कोई मसलक की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको ये मसला बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ, और हम लोगों को बस ऑब्जेक्टिवली समझना चाहिए कि वहां पे क्वालिटी वाली रकातें होती थी। अगर आप इस मौजू पर पढ़ना चाहें तो मसनून रकात तरावी आप ये किताब शेख किफायतुल्लाह की शुबहात का इजाला तो ये देख सकते हैं, शेख किफायतुल्लाह सलामी की किताब है, अच्छी किताब है, आप देख सकते हैं, और इसमें इसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हदीस देखिए। अच्छा, ये वित्र के बारे में पहले हदीस देख लेते हैं, अलवित्र हक़ुन फमन शाह औतरा बि सबईन, वित्र तो हक है, मतलब वित्र की नमाज हक है, बाज़ लोग नहीं पढ़ते लेकिन ये हक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मतलब पढ़ना चाहिए, फमन शाह औतरा बि सबईन, जिसे चाहिए 7 रकातों से वित्र पढ़े, वमन शाह औतरा बि खमसीन, जिसे चाहे 5 रकातों से नमाज पढ़े, वमन शाह औतरा बि सलासीन, जिसे चाहे 3 रकातों से नमाज पढ़े, वमन शाह औतरा बि वाहिदतिन, जिसे चाहिए वो 1 रकात से वित्र पढ़े, मतलब वित्र 1 रकात से भी पढ़ना साबित है, 3 से भी पढ़ना साबित है, 5 से भी पढ़ना साबित है, और 7 भी साबित है, और एक और हदीस में आता है 9 रकात वाली वित्र भी पढ़ना साबित है। आप कोई कहेगा ये क्या तरीका है, ये भी एक सुन्नत है, ये भी एक तरीका है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसका एक तरीका बताया गया है पूरा कैसे पढ़ना है, तो हम ये देखते हैं कि ये तरीका है कितनी रकातें, लेकिन ये दो दो रकातें वाली हदीस देखिए, फिर मैं आपको एक मसला वाज़ह करूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलातुल्लैल मतना मतना, रात की नमाज दो दो रकातें, रात की नमाज दो दो रकातें, फ़ैज़ा ख़शिया अहदुकुम सुबह, जब तुम में से किसी को डर है कि सुबह हो जाएगी यानी सुबह सादिक हो जाएगी, सल्ला रकअतन, एक रकात पढ़ ले, वाहिदतन, एक रकात पढ़ ले, तो तिरु लहू मा कद सल्ला, तो ताकि जो सारी जो नमाज पढ़ा है तो तिरु लहू वो ताक हो जाए, ऑड हो जाए, मतलब दो 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 पढ़ रहे ताक हो जाए, ऑड हो जाए। अब यहाँ पे मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लोगों में अलग अलग थॉट्स हैं, बाज लोग ये कहते हैं कि 20 रकात सुन्नत है, तो सुन्नत के एतबार से ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है ना उमर रदिल्लाहु अन्हु से साबित है 20 रकात सुन्नत के तौर पर पढ़ना। आपको मैं बात मसला बताना चाहता हूँ, सुन्नत के तौर पर पढ़ना ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है ना सहाबा से साबित है। सहाबा का जमाना जब गुजरा तो ताबईन में हमें दिखता है कि वो लोग उतने लंबे क़याम नहीं कर पा रहे थे जितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम कर रहे थे, लंबे लंबे क़याम। तो उन्होंने क्या किया, इस हदीस पे दलील को दलील बनाकर दो दो रकातें पढ़ो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो दो रकातें मतना मतना। इसमें ये नहीं कहा कि 11 से ज्यादा नहीं पढ़ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा, उनका अमल था कि 11 से ज्यादा नहीं पढ़े, लेकिन दो दो रकातें पढ़ना पढ़ो इस तरह से फरमाया। तो बास सहाबा बास ताबईन में मिलता है कि किसी ने 20 पढ़ा, किसी ने 36 पढ़े, किसी ने
41 रकाते पढ़े, हाँ, लेकिन वो सुन्नत के एतबार से नहीं, सुन्नत तो 11 है, लेकिन ज्यादा पढ़ने के एतबार से कोई ज्यादा पढ़ते थे इस एतबार से। और इसमें जैसे मैंने बताया तीन अलग ओपिनियन है, तो बाज लोग कहते हैं 20 रकात सुन्नत है, तो सुन्नत तो नहीं है। दूसरा ओपिनियन ये है कि 11 ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 से ज्यादा नहीं पढ़े, 11 से ज्यादा पढ़ेंगे गलत है, ये भी एक ओपिनियन है। लेकिन जो तीसरा ओपिनियन है जो ज्यादा मजबूत दिख रहा है वो ये कि 11 यानी कम क्वांटिटी और लंबा क्याम वाली 11 हो तो सबसे बेस्ट है। मतलब बात समझ लो मेरे भाई, अगर आप हक अदा करके 11 पढ़ लो ना तो वो 11 ही आपकी पूरी रात के लिए काफी है, वो 11 आपको पूरी रात ब्लॉक करने के लिए काफी है। मतलब रात का एक अच्छा जितनी ताकत जज्बा है ना पूरा 11 में ही खत्म हो जाएगा, 11 काफी अगर लंबा क्याम हो। अगर शॉर्टकट वाली फास्ट फास्ट नहीं पढ़ो तो लंबा क्याम वाली 11 ही आपको पूरा ले लेगी आपके पास। लेकिन अगर मान लो अगर आप उतना लंबा क्याम नहीं कर पा रहे हो और 11 से ज्यादा अगर पढ़ना है, तो ये जो थर्ड ओपिनियन है जो कई उलमा इकराम का ओपिनियन है, जैसे शेख बिन बाज और सऊदी की जो सीनियर कमेटी ऑफ स्कॉलर्स वगैरह, वो सबका ये कहना है, वो कहते हैं कि 11 से ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, सुन्नत तो 11 है लेकिन ज्यादा भी पढ़ सकते हैं अगर कोई पढ़ना चाहे। अब कभी कभार कैसा होता है, इमाम के साथ तरावी पढ़ के आए हैं, वितर भी पढ़ लिए और घर में है और अभी सुबह का वक्त हुआ और दिल चाह रहा है थोड़ी और नमाज पढ़ लूं, तो बाज लोग ऐसे भी सोचते हैं अरे 11 से ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़े थे, लेकिन वो तो 11 कैसी 11 लंबी रकाते थी और हम उतनी लंबी तो डेफिनेटली नहीं पढ़ के आए हैं, तो अब दिल चाह रहा है और नमाज पढ़े, तो क्या पढ़ सकता हूं मैं? तो हाँ, दो दो रकात करके पढ़ो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिमिट नहीं लगाया ना इस हदीस में, ये नहीं कहा 11 से ज्यादा नहीं पढ़ना। तो ज्यादा मजबूत ओपिनियन ये तीसरा ओपिनियन दिख रहा है दलाइल की रोशनी में इस एतबार से कि पढ़ लो, पढ़ो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये बात कहो कि 20 सुन्नत है या 36 सुन्नत है, इस सुन्नत का टाइटल 11 के लिए क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है, उमर रदिल्लाहु अन्हु ने ये पढ़ने कहा, हाँ, तो ये मसला है। अच्छा, बाज लोग इन चीजों में बहुत सेंटिमेंटल हो जाते हैं, हालांकि सिर्फ ऑब्जेक्टिवली चेक करना चाहिए भाई, अगर तहकीक करके कोई अगर बोल रहा है मेरी तहकीक और दलाइल की रोशनी में मुझे लगता है 20 है, तो कैसे बात होनी चाहिए ना कि देखो मेरे पास ये दलील है, आपके पास क्या दलील है? लास्ट में अगर वो कहता है नहीं मुझे इसी में इत्मीनान है, तो वो अल्लाह ताला उसके बीच की बात है। हम उसमें ये सब टॉपिक्स को लेकर आपस में मुसलमानों का इत्तेफाक ना खराब करें और जो सुन्नत पे चलने की सब कोशिश करें और सही चीज जो दिखेगी वो अमल करेंगे सब लोग। हाँ, तो ये बहुत जरूरी है, मैंने आपके सामने तीन ओपिनियन रखा और बताया तीसरा ओपिनियन ज्यादा मजबूत दिख रहा है ये हदीस की वजह से, हाँ, दो दो रकातें पढ़ने। आगे बढ़ते हैं हम, क्या तहज्जुद तरावी और क़ियामुल लैल अलग रकात नमाज है? तो तहज्जुद तरावी और क़ियामुल लैल ये तीनों अलग नहीं है, रमजान में उसे तरावीह कहते हैं, वही चीज क़ियामुल लैल है, रात में क़ियामुल लैल वो क़ियामुल लैल है, हाँ, और वही चीज जब रात के आखिरी हिस्से में पढ़ते हैं वो तहज्जुद है, तो आखिरी वन आधी निस्फ लैल के बाद पढ़ते हैं उसे तहज्जुद कहेंगे। तो हम ये देखते हैं कि ये तीनों हकीकत में रात की नमाज की बात हो रही है। आगे कुरान देख कर पढ़ना, अब यहाँ क्या होता है कि बाज लोग चाहते हैं कि पढ़े, अभी कोई अच्छी मस्जिद नहीं करीब में और चाहते हैं कि मैं लंबा क़ियाम करूं, लेकिन कुरान इतना सा मालूम है, कुरान थोड़ा सा मालूम है, तो क्या करें? अब थोड़ा सा कुरान मालूम है कैसे पढ़ेंगे हम? तो एक देखकर पढ़ना साबित है नहीं साबित है, मैं आपको इस बारे में बात बताना चाहता हूँ। सही बुखारी में ये मुअल्लक फॉर्म में हदीस है और हमें इसकी सनद भी मिल जाती है, काना आयशा काना लिल आयशा रदिल्लाहु अन्हा गुलामन युअम्मिनुहा मिनल मुसहफ फी रमदान, कि आयशा रदिल्लाहु अन्हा के पास एक गुलाम था ज़कवान, हाँ, और वो नमाज पढ़ाया करते थे, इमामत किया करते थे उनकी, मिनल मुसहफी मुसहफ में से, फिर रमदान में मुसहफ से वो पढ़ा करते थे। और कौन था पीछे? पीछे आयशा रदिल्लाहु अन्हा थी और दूसरी रिवायतों से डिटेल मिलती है कि और बाज साहबा और ताबईन थे और ये इमामत किया करते थे, उनका अंदाज था लेकिन कुरान उतना याद नहीं था, तो या परफेक्ट याद नहीं रहा होगा, तो वो इमामत उससे कुरान से मिनल मुसहफ मुसहफ से पढ़ के किया करते थे, हाँ। तो इस बारे में एक्चुअली इमाम नवोवी कहते लौ करा अल कुरान मिनल मुसहफ, जब मुसहफ में से कुरान पढ़े लम यबतुल सलातहु, नमाज बातिल नहीं होती, हाँ, सवान काना युहाफिज़ुहु अमला, चाहे वो हाफिज हिफ्ज किया है या नहीं हिफ्ज किया है नमाज बातिल नहीं होती, ये कहते हैं। यानी अगर कोई हाफिज भी अगर देख के पढ़ ले, क्योंकि कभी कभार कोई हाफिज है लेकिन रिविजन कभी बराबर नहीं हुआ और कॉन्फिडेंस नहीं है, बल यजीबु अलैही दालिका इद लम युहफ़ज़ुल फातिहा, अगर उसने सूरह फातिहा भी उसे याद नहीं है तो लाजिम है ना कि देख के पढ़ ले, ये इमाम नवी कह रहे। वलौ क़ल्लबा औराक़हु, चाहे बीच में पेजेस पलटाना पड़ेगा अहयानन बीच बीच में, फी सलातिही लम यबतुल, चाहे पेज पलटाने में भी नमाज बातिल नहीं होती, यानी नमाज ब्रेक नहीं होती। हादा मज़हबुना, ये हमारा मज़हब है, वह मज़हब मालिक, और ये मालिक का भी मज़हब है, यानी इमाम मालिक और अहमद, हाँ, इमाम अहमद का भी ये मज़हब है, कुछ इसमें इनकम्प्लीट दिख रहा है।
तो चलिए हम ये देख रहे हैं, ये इमाम नवी ने एक चीज को एक्सप्लेन किया। और मैं आपको इसमें एक और दलील दे रहा हूँ, जैसे बाज लोग बोलते हैं ऐसे कैसे कुरान हाथ में लेके पढ़ सकते हैं, कुरान हाथ में लेके कैसे पढ़ सकते हैं। तो ये हदीस देखिए सही बुखारी, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़े, वह हुआ हामिलुन उमामा बिन्त ज़ैनब बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो उठाए हुए थे उमामा को, बिन्त ज़ैनब, ज़ैनब की बेटी, बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ैनब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, वो अबिल आस, ज़ैनब अबुल आस बिन रबिया बिन अबी अब्दुश्शाम, तो ये उनके हस्बैंड अबुल आस जो थे, ये दोनों की बेटी ज़ैनब को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाए हुए थे। फ़ैज़ा सज्दा वदाहा, जब सजदा करते तो उसे नीचे रख देते, वैदा कामा हमलहा, जब खड़े होते तो फिर से उठा लेते। तो जब उमामा को उठा के पढ़ सकते हैं तो क्या कुरान का मुसहफ उठा के नहीं पढ़ सकते? जब उमामा को उठा के नमाज नहीं टूटी तो क्या कुरान का मुसहफ उठा के कोई पढ़ेगा तो नमाज टूट जाएगी? तो नमाज नहीं टूटती, नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात को याद रखें कि जब कुरान जब उठाते हैं मुसहफ को और पढ़ते हैं तो कुछ नुकसान भी होता है। नंबर वन, सुन्नत है कि सजदे की जगह पर देखो, तो सजदे की जगह पर जाहिर सी बात है आदमी नहीं देख रहा है, कुरान में देख रहा है। दूसरा कि सीधा हाथ उल्टे हाथ पे रखो, अब जब कुरान हाथ में लिए हुए तो सीधा हाथ एक हाथ तो रहेगा लेकिन एक हाथ तो ब्लॉक हो गया, हाथ तो उसके ऊपर तो नहीं है, सुन्नत का अमल नहीं है। और जो मुसहफ को रखना होता है, उठाना होता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा अमल होते हैं, तो कुछ ना कुछ सवाब माइनस भी हो रहा है, ये याद रखना चाहिए, कुछ ना कुछ सवाब माइनस हो रहा है। अब बाज लोगों की क्या मामला है कि नमाज इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं, इमाम पढ़ा रहा है, फिर भी मुसहफ हाथ में लिए हुए, अननेसेसरी, तो उसमें उनका सवाब तो माइनस हो रहा है। तो बाज़ उलमा इकराम ने निशानदेही की, बोले ये नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि तुम्हारा सवाब तो माइनस हो रहा है और तुम मुसहफ क्यों हाथ में लियो, कोई बड़ा फायदा है क्या? लेकिन किसी को अगर नमाज में आता नहीं है पढ़ने, वो लंबी तरावी पढ़ना चाहता है पढ़ नहीं सकता, उसे ज्यादा कुरान याद नहीं है, जैसे लॉकडाउन में बहुत लोगों ने घरों में तरावी पढ़ाए, और बेचारे क्या है ना, मैं बताऊं, ये बाज लोग लॉकडाउन में पढ़ा रहे थे, छोटी छोटी सूरतें पढ़ के तरावी पढ़ा रहे थे क्योंकि उनको ज्यादा कुरान याद नहीं था। काश कि उनको पता होता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमामा रदिल्लाहु अन्हा को किस तरह से उठा के नमाज पढ़ी, तो आप भी मुसहफ हाथ में लेकर जैसे आयशा रदिल्लाहु अन्हा के गुलाम ने किया, वैसे आप भी लेके पढ़ सकते हो। हाँ, कितना अच्छा है। और जैसे अभी सवाल आ रहा था ना कि मेरे पास जो मस्जिद है, जो इमाम क्या पढ़ते हैं, एक लाइन नहीं समझ में आती है, तो वहां पे तरावी ईशा पढ़ना पड़ेगा, ईशा तो जमात से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ईशा के बाद तरावी आप खुद पढ़ो। हाँ, तरावी आप खुद पढ़ो, तो लेके मुसहफ लेके पढ़ो, आप अच्छी तरावी इंजॉय करके पढ़ सकते हो। हाँ, तो ये चीज है जो जिससे फायदा, आपको फायदा नुकसान देखना है। देखो, इमाम के साथ पढ़ेंगे तो यह है कि रात भर पढ़ने का सवाब मिलेगा, अगर मान लो इमाम थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा है, और आप खुद पढ़ रहे हो तो ज्यादा लंबा पढ़ सकते हो, ज्यादा लंबे सजदे कर सकते हो। हाँ, तो ये एक चीज होती है, लेकिन तो यानी आपको बेनिफिट एंड लॉस दोनों देखने का है, और फाइनल डिसीजन लेना है क्या चीज में मुझे ज्यादा सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। और वैसे आदमी देखे, और इमामत की भी बात है कि आपके पीछे अगर घर वाले हैं, पीछे पढ़ने वाले हैं, तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह आप पढ़ोगे और आपके पीछे ही हो जाएगा। तो आपको देख के जजमेंट लेना है कैसे आपको, मतलब गोल क्या है ना, आउटस्टैंडिंग तरावी मिलनी चाहिए, ये गोल है, आउटस्टैंडिंग तरावी मिली, पॉकेट में आउटस्टैंडिंग, पॉकेट नहीं तराजू में आउटस्टैंडिंग तरावी है, तो गोल अचीव्ड इंशाल्लाह। फर्ज नमाज तो है नहीं है, हाँ फर्ज नमाज नहीं है, लेकिन कैसे हम बेस्ट हासिल कर सकते हैं, ये इसमें गोल है। जी शकील भाई, कुछ बोलना चाहते हैं? जी, बास लोग ये भी करते हैं जैद भाई कि जब इमाम अपने हिफ्ज से पढ़ रहे हैं तो वो मुसल्ली जो है वो हाथ में कुरान उठा लेते हैं, तो इसके बाद इस खिलाफ अनलेस वो मुसल्ली इमाम को लुकमा देने के लिए खड़े हैं, इमाम भूलेंगे तो लुकमा दूंगा मैं देख के बताऊंगा, तो अलग बात है, लेकिन बाकी ऐसे अननेसेसरी नहीं होना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वित्र को आखिरी नमाज बनाने के तालुक से मैं कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ, क्योंकि वित्र को आखिरी नमाज बनाने की कोशिश करो, ये हदीस हमें मिलती है, वित्र को आखिरी बनाओ। लेकिन ये बात भी समझना है कि वित्र के तालुक से कब पढ़ें, ये भी एक देख लेते हैं पहले, और फिर वो मसले को भी मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ। मन खाफा अल्ला यकूमा मिन आखिरी आखिर लैल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसे डर है कि रात के आखिरी हिस्से में वो नहीं उठ पाएगा, फल्युतिर अव्वलहु, तो उसे चाहिए वित्र शुरू के हिस्से में पढ़ ले, सही मुस्लिम में हदीस है। वमन तमिया यकूमा आखिरहु, और जिसे उम्मीद है कि वो आखिरी हिस्से में उठेगा नमाज पढ़ेगा, फल्युतिर आखिर अल्लैल, उसे रात के आखिरी हिस्से में वित्र पढ़ना चाहिए। फइन्ना सलात आखिर अल्लैली मशहूदतुन वज़ालिका अफ़दल, क्योंकि रात के आखिरी हिस्से की जो नमाज होती है वो मशहूदतुन, उसमें गवाह होते हैं कौन, फरिश्ते होते हैं, और वो अफजल है। तो वित्र को आखिरी में पढ़े, लेकिन अगर डर है कि मैं लास्ट में उठूंगा, उठ नहीं पाऊंगा, तो सो जाएंगे, वित्र ही में सो जाएगी, तो पहले से में ही कर लो, तो वित्र का पढ़ना है ये हमें मिला। अब मैं आपको बताऊं कि वित्र के बाद क्या नमाज पढ़ सकते हैं। कभी क्या होता है कि कोई इमाम के साथ में नमाज पढ़ के आए, वित्र भी हो गई, अभी वित्र को आखिरी नमाज बनाओ हदीस भी है, हाँ तो क्या,
तो मैं आपको एक हदीस बताता हूँ, ये हदीस सही मुस्लिम में है। इसमें आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात की नमाज पढ़ी और वितर के बाद तुम युसली रकअतैन, दो रकातें पढ़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वितर के बाद दो रकातें पढ़ी। पता क्या चला कि वितर को आखिरी बनाओ ये मुस्तहब की जिम्मन में है, मतलब बेटर की जिम्मन में है, ऐसे लाजिम और फॉरबिडन नहीं है कि वितर पढ़ लिया कुछ और पढ़ ही नहीं सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दो रकात पढ़ी वितर के बाद तो क्या बताया, पढ़ के अपने अमल से ये बात बताई कि अगर किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। तो जैसे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इमाम के साथ में नमाज पढ़ के आए हैं, वितर भी पढ़ लिए हैं, अब दिल चाह रहा है कि मैं और नमाज पढ़ूं, पढ़ो पढ़ो। हदीस ये दलील है, सही मुस्लिम की हदीस दलील है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वितर के बाद दो रकात पढ़ी, लेकिन फिर से वितर नहीं पढ़ेंगे, एक रात में दो वितर नहीं होंगी, एक वितर आ गई ताकत होगी, अब आप नमाज अपनी पढ़ो इंशाल्लाह, जितना पढ़ना है पढ़ लो, तो दो दो रकात करके पढ़ो, अगर लग रहा है आप क्याम कर सकते हो और करो इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। तो ये मैंने आपके सामने ये मसला तरावी का इसलिए कवर किया क्योंकि आखिरी 10 जो दिन को आउटस्टैंडिंग बनाना है ना, तो उसमें क्याम और तरावी अच्छी होगी ना तो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। हाँ, अब आते हैं सेकेंड सेक्शन कि 10 दिन को कैसे बेहतरीन गुजारें। तो आइए देखते हैं हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक। अच्छा, यहाँ पे जरा एक दो सवाल हम ले लेते हैं मौजू से मुताल्लिक जो आए हैं यहाँ तक के। सवाल एक ये है कि तरावी का तरीका बताइए, उसमें सूरे पढ़ना है कुरान पढ़ना, मैं बता चुका हूँ, ये मेरे ख्याल से सवाल का जवाब तो आ चुका है। और घर से करीब वाली मस्जिद में पैदल जाएं जाने का सवाब ज्यादा है होता है या दूर वाली मस्जिद में? देखिए, इसमें मस्जिद में जो जाते हैं हर कदम में सवाब मिलता है, हाँ, लेकिन अननेसेसरी नहीं। आपको पता है इमाम करीब के इमाम ज्यादा बेहतर पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, तो करीब जाइए। और अगर कभी तरावी के अंदर ऐसा मामला हो कि आपको पता है कि तरावी बहुत कीमती है, थोड़ा सा दूर जाऊंगा, वो बहुत खूबसूरत नमाज पढ़ाते हैं, तो उसका और सवाब मिलेगा, जितनी कोशिश करेंगे आपको सवाब तो मिलेगा ही, उसमें कोई शक नहीं। तहज्जुद की नमाज क्या 11 रकात से अलग होती है? तो नहीं, तहज्जुद तरावी सब एक ही रात, एक रात की नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 रकात से ज्यादा नहीं होती थी, ये अगर आप लंबे लंबा क़याम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नहीं ज्यादा लंबा कर पा रहे हैं और जो मैंने बताया हूँ दो दो रकात करके पढ़ते हैं उससे ज्यादा भी, तो वो ठीक है, लेकिन सुन्नत 11 है, लेकिन ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। घर के करीब की मस्जिद का सिर्फ तरावी का आपका आंसर था कि सभी नमाजों के बारे में आप ये बता रहे हैं? वैसे यहाँ तो मैं तरावी की बात कर रहा हूँ, अब सभी नमाजों के ताल्लुक से जहाँ पे जैसे मान लीजिए इमाम सुन्नत, तो कभी कभार कुछ होते हैं जो इमाम सुन्नतों की पाबंदी नहीं करते हैं, वक्त नहीं देते हैं, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, तो जहाँ बेहतर पढ़ने मिले वहाँ जाना चाहिए। करीब वाला बेहतर है तो दूर क्यों जाएगा कोई, और थोड़ा सा दूर में और बेहतर मस्जिद है तो वहाँ जाओ, वहाँ जाके ज़्यादा सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। ओके, घर पे कुरान से तरावी पढ़ते वक्त क्या मतलब एक पारे से तरावी स्टार्ट करनी या कोई भी पारा? हाँ, अब आप घर में पढ़ रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पूरा कुरान मैं इतना खत्म कर लूंगा। एक बात याद रखिए, बाज़ लोगों ने जो टारगेट बनाया ना कि तरावी में कुरान खत्म होना चाहिए, कुरान खत्म होना चाहिए, बहुत अच्छा सवाल है, तरावी में कुरान खत्म होना चाहिए, अब वो लोगों का एक ही गोल रहता है तरावी में कुरान खत्म करना। इसी वजह से हमें ऐसी ऐसी नमाजें मिलती है 7 दिन में पूरा कुरान खत्म, और फिर 7 दिन में जो कुरान खत्म कर लेते हैं फिर वो लोग मिलते हैं बाकी रातों में तरावी नहीं पढ़ रहे, लेकिन नहीं पढ़ रहे, मेरा कुरान तो खत्म हो गया। अब पहले तो कुरान खत्म करने का गोल किसने दिया तरावी में? कोई एक हदीस नहीं है जिसके अंदर आता है कि तरावी में कुरान खत्म करो, ऐसा नहीं, तरावी में कुरान खत्म ही करना है ऐसा नहीं, करोगे तो अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर महीने में एक बार कुरान खत्म करने की बात कही थी अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अलास से, बेहतर तो है ही कि एक महीने में कम से कम एक बार तो कुरान हर महीने में पढ़ो, ये बेहतर है। लेकिन अगर किसने कहा कि तरावी में खत्म नहीं किए तो तरावी जैसे अधूरी हो गई, ये क्या क्या थॉट्स है ना लोगों के, फिर तरावी में कुरान पढ़ लिए तो बाकी रात में पढ़ी नहीं रहे, बाकी रातों में पढ़ी नहीं। हदीस क्या है, मन काम है रमदान ईमान साबन, जो रमदान में क्याम करे ईमान के साथ सवाब की उम्मीद से, पूरे रमदान में क्याम नहीं होता है, रमदान की 7 रात में क्याम होता है, 23 रात में कोई क्याम नहीं, बोले कुरान खत्म हो गया, व्हाट इज दिस। और जहां पे तो कुरान जल्दी खत्म हो गया तो छोटी छोटी सूरतें पढ़ के एकदम फास्ट तरावी पढ़ते हैं, तो काम रमदाना का सवाब कम हो रहा है ना, क़याम करे रमदान में वो सवाब कम हो रहा है ना, क़याम क्या हल्का सा क़याम या प्रॉपर क़याम, जितना सवाब जितना लंबा क़याम होगा उतना ज्यादा सवाब मिलेगा। हाँ ठीक है, वितर के अलग अलग मेथड्स क्या है? तो देखिए, वितर के अलग अलग मेथड्स में एक है एक रकात पढ़ रहे हैं तो एक रकात, अच्छा मैं आपको बता दूं ये एक रकात प्रिफर्ड ऑप्शन नहीं है, क्योंकि प्रिफर्ड ऑप्शन क्या है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस में ना 8 रकात तरावी और 3 वितर का जिक्र है, प्रिफर्ड ऑप्शन है 3। हाँ, लेकिन एक वितर पढ़ना भी मिलता है, और खास तौर से कहाँ मिलता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दो दो रकात पढ़ो, जब सुबह आने का अंदेशा हो तो एक वितर पढ़ लो,
तो मतलब जब सुबह आने का अंदेशा हो गया कि सुबह शादी हो जाएगी तो एक वितर पढ़ लो, लेकिन जहां पे वक्त हो तो वहां पे तीन पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए कम से कम। तीन पढ़ने के क्या तरीके हैं? इसमें एक तरीका है 2+1, यानी 2 रकात वितर फिर एक वितर, और दूसरा तरीका क्या है? तीनों रकात तीनों एक साथ में कंटिन्यूस, हाँ तीनों एक साथ में कंटिन्यूस। तो ये हमने तीन के ताल्लुक से देखा। और भी है, अगर आप शेख अल्बानी की किताब क़याम तरावी देखे तो उसमें वितर का सेक्शन है, पूरा चैप्टर है, डाउनलोड करें, नेट पे पीडीएफ अवेलेबल है, उसमें पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। ओके, और क्या उस औरतों की तरावी पर थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। औरतों की तरावी, मर्द की तरावी मैंने बताया, दोनों में क्या फर्क है? सेम ही है, हाँ सेम ही है, खाली औरतें इमामत करेगी तो आगे नहीं खड़े रहेगी, साथ में खड़े रहेंगे। और कोई और क्लैरिफिकेशन तो मुझे पता नहीं है, अगर आपको कुछ सवाल पूछना पूछ सकते हैं। अगर तकलीफ की वजह से तरावी ना पढ़ें, मैं बता चुका हूँ कि जितना पढ़ेंगे उतना सवाब मिलेगा, और जिसकी तकलीफ है अल्लाह ताला उसका उसे अजर देगा। हाँ ओके, जरूरी है क्या कि तहज्जुद की नमाज रात को सोकर उठकर फिर ही पढ़ सकते हैं? देखिए, ये कहना कि रात को, जैसे बाज़ लोग क्या कहते हैं, तहज्जुद पढ़ना है ना सो के उठना पड़ेगा, एक नींद लेके उठना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आप ईशा के साथ जो वितर पढ़ते हैं वो वितर रात की नमाज का हिस्सा है, वितर जो है ना ईशा का हिस्सा नहीं, वो रात की नमाज का हिस्सा है। तो कोई ये बोलता है वितर पढ़ना है तो सो के उठना पड़ेगा, नहीं ना, वितर जो है क़यामुल लैल का हिस्सा है जो हम वहां पढ़ रहे हैं, नमाज का आखिरी हिस्सा होता है नॉर्मली। तो इससे पता ये चलता है कि क़यामुल लैल के लिए ये सो के उठना पड़ेगा, इसकी कोई दलील नहीं है, और एक दलील क्लियर कट ये वितर की नमाज है। ओके, लेडीज को भी फर्स्ट सफ में नमाज पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। देखिए, जो साथ में पढ़ते हैं मर्दों की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मर्दों की बेस्ट सफ पहली सफ और सबसे वर्स्ट सफ आखिरी सफ, और वह जमाने में औरतें पीछे हुआ करती थी, तो औरतों के ताल्लुक से कहा कि औरतों की बेस्ट सफ पीछे वाली सफ और सबसे वर्स्ट सफ आगे वाली सफ। तो ये है उस जमाने के अंदर, लेकिन अभी जब अलग अलग मान लीजिए सेक्शन ही टोटल अलग है और उसमें एंट्रेंस अलग है पूरा, वो तो क्या कहेंगे, उसके अंदर जो फर्स्ट सफ वाला रूल है वो आएगा? मुझे भी नहीं मालूम है, लग रहा है बज़ाहिरन अल्लाह वाला। अगर मुसहफ से देखकर घर पे तरावी पढ़ रहे हैं तो तिलावत ऑर्डर में होनी चाहिए क्या, तरतीब में? जैसे किसी वजह से सूरह बकरा एक दिन पढ़ा लिए, फिर अगले दिन 30 जूस पढ़ा रहे हैं। देखिए, तिलावत मैं एक दिन दूसरे दिन नहीं, मैं सेम डे की बात कर रहा हूँ, सेम डे नहीं, सेम डे में सेम रकात की बात कर रहा हूँ। सही बुखारी में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामुल लैल के लिए खड़े हुए और सूरह बकरा पढ़े, उसके बाद सूरह निसा, उसके बाद सूरह आले इमरान। सूरह बकरा 2 नंबर सूरह है, सूरह निसा 4 नंबर है, सूरह आले इमरान 3 नंबर है, यानी पहले 2 फिर 4 और फिर 3 पढ़े, और ये क्लियर कर दिया हुआ है। और अगर आप शेख अल्बानी की किताब सिफा सलातुल नबी देखें तो उसके अंदर तिलावत वाले सेक्शन में उन्होंने कई हदीसें लाए हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में ये रकात ये सुरा पढ़ते थे, वो सुरा पढ़ते थे। तो आप देखोगे कि कई बार ऐसा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद की सूरतें पहले पढ़ी, पहले की सूरतें बाद में पढ़ी। तो जो लोगों में मशहूर है ना कि तरतीब मेंटेन रखना ही है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरतीब बरकरार रखी कई बार, लेकिन कई कई बार नहीं भी रखी। तो कभी नहीं करना भी सुन्नत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो जैसा लोगों ने बना रखा है ना कि नहीं तरतीब तो मेंटेन रखना ही है, ऐसा नहीं है। तो आप कभी तरतीब चेंज भी कर सकते हैं, बाद में सूरह पहले और पहले वाली बाद में भी पढ़ सकते हैं कभी, हाँ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है। आपको दलील देखना है तो कई हदीसें दी हुई उसके अंदर, एक हदीस तो मैंने आपको बताया, कई हदीसें वो सिफा सलातुन नबी में उन्होंने जमा किया हवालों के साथ। अगर अक्सर इमामों की तिलावत की मखरज सही ना हो, देखिए कैसा है ना, ओवरऑल बेनिफिट लॉस आपको देख के चलना है। इमाम के साथ पढ़ने में फायदा क्या है कि पूरी रात का सवाब मिलता है। अब देख के करिए, ऐसा हो कि भाई वहां पे इमाम का मखरज सही नहीं है और फिर बाद में मैंने तरावी नहीं पढ़ी, आपको समझना है कि आपके लिए, जैसे मिसाल के तौर पर मशहूर मिसाल दूंगा, उमर रदिल्लाहु अन्हु ने जब जमात से बड़ी जमात से तरावी शुरू कराई तो उमर रदिल्लाहु अन्हु ने देखकर कहा, देखा, ऑब्जर्वेशन किया, लेकिन उमर रदिल्लाहु उसमें जमात में नहीं मौजूद थे, वो खुद अकेले आके आखिरी हिस्से में पढ़ते थे। तो कभी क्या होता है, कोई अकेले पढ़ रहा है लेकिन इतना खुशू से, इतना लंबा क़याम, इतना अच्छे से पढ़ेगा कि वो, उसे पता है इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये चीज़ का सवाब मेरी जिंदगी में उससे ज्यादा रहेगा, जमात से नमाज तरावी पढ़ने से ज्यादा मुझे ये सवाब मिलेगा। लेकिन मालूम पड़ा सो गए, ना ये ना वो, बस क्रिटिक बने हुए हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना, सोच समझ के काम करना चाहिए, आखिरत हमारी है। 8 रकात पढ़ावी तरावी पढ़ के सो गए, सुहर के वक्त तहज्जुद की 2 रकात, जी हाँ पढ़ सकते हैं, फिर वितर फिर से नहीं होगी, वितर फिर से नहीं, वितर पढ़ लिए फिर से नमाज, लेकिन नमाज पढ़ो 2, 4, 6, 8 जितनी पढ़ना है पढ़ लो। ओके, 8 रकात तरावी पढ़कर सो गए, ये तो हो गया है, ठीक है।
सर आपने नहीं नहीं वो ये कह रहे हैं कि 8 रकात पढ़कर तरावी पढ़कर सो गए, फिर सुबह में उठ के 2 रकात पढ़े, तहज्जुद की और एक वितर पढ़े, तो ये सही होगा। मतलब एक मॉर्निंग वितर फिर से नहीं पढ़े, फजर के पहले नहीं, अगर पहले नहीं अच्छा पढ़े तो पढ़ पहले नहीं पढ़े थे तो बेटर है ना, तो लास्ट में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जैसे सकते नबी हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वितर अगर जो पहले हिस्से में पढ़े, और आखिरी वो हदीस आ चुकी है ना। जी वो आ चुकी है, ठीक है। आई थिंक हम लोग यहाँ स्टॉप करके अपना सिलेबस भी खत्म करेंगे, क्योंकि आज 5 सेक्शन कवर करना है, मैंने एक ही कवर किया है और दूसरा सेक्शन चल रहा है। चलिए हम ये देख रहे हैं आखिरी 10 रातों के बारे में। अनायशा रदिल्लाहु अन्हा, आयशा रदिल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, कालत कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामला था, इदा दखल अल अश्र, जब 10 दिन शुरू होते, शद्दा मेज़ा रहू, वो अपनी कमर को कस लेते, वह आहया लैलहू, और रात जागते, वह ऐ कज़ा अहलहू, और घर वालों को भी जगाते। हाँ घर वालों को भी जगाते और रात जागते, घर वालों को जगाते। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 रातों में कमर कस लेते, कमर कस लेते यानी अल्लाह की बहुत इबादत करते, बहुत ही और एक्टिव हो जाते, खुद पहले से एक्टिव बंदों में से थे अल्लाह के, लेकिन और ज्यादा एक्टिव होते हैं, और रात जागते घर वालों को जगाते। जगाते किस चीज के लिए? जगाते किस चीज के लिए? इबादत के लिए। हाँ वह आई कजा अहलहू, घर वालों को जगाते, तो जगाना मिलता है, हमें मिल रहा है। यानी जो बोले बाजारे तुम जागो मुझे क्यों जगा रहे हो, नहीं आई कजा अहलहू, जगाना ही जगाओ, इस मकसद से कि वो लोग भी इबादत करें और ये रातों की फजीलत को पा लें, ये 10 जिंदगी 10 दिनों में अपने गोल्स को पालें। देखिए क्या होता है ना, कोई होता है जो रमजान अगर कहीं किसी की कमजोर गई है ना, हम कहते हैं बस अभी ये 10 दिन कैच कर लो, 10 दिन में भी यू कैन, आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो इंशाल्लाह। मतलब उम्मीद मत हारो, ये मत फील करो अभी कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करना। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा यहाँ पे शद्दा मीज़ा रहू से बाज उलमा ने शरह में ये भी बताया है, वो कहते हैं कि कमर कस लेते से ये भी मुराद है कि अपनी बीवी से अलग भी रहते हैं, यानी ये भी बात इसमें मिल रही है इशारतन। ठीक है नेक्स्ट, आखिरी 10 दिनों में सबसे ज्यादा इबादत की जद्दोजहद। अनायशा रदिल्लाहु कालत काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजतहिदु फी अशरिल अवाखिरी मा ला यजतहिदु फी गैरिही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी 10 दिनों में उतनी मेहनत करते हैं अल्लाह की इबादत में जितना बाकी दिनों में उतनी ज्यादा नहीं करते, मतलब जितनी करते थे वो भी बहुत था लेकिन उससे बहुत ज्यादा इबादत करते। यजतहिदु यानी कंपैरिजन में देखे तो सबसे ज्यादा जद्दोजहद और कोशिश करते आखिरी 10 दिनों में करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये बात को याद रखें, 10 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनायशा कालत का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युजावीरु फिल अशरिल अवाखिरी मिन रमदान यकूलु तहर्रौ लैलतुल क़द्र फिल अशरिल अवाखिरी मिन रमदान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ करते और कहते कि रमदान के आखिरी अशरे में तहर्रौ लैलतुल क़द्र फिल अशरिल अवाखिरी मिन रमदान, रमदान के आखिरी 10 दिनों में 10 रातों में लैलतुल कद्र को ढूंढो। हाँ लैलतुल कद्र को ढूंढो जैसे कि हमें मिल रहा है। आगे ताक रातों में ढूंढना, देखो एक वो लास्ट 10 नाइट्स फुल के फुल में ढूंढने की हदीस आ चुकी है, अब ताक रातों में ढूंढना ये हदीस देखिए, इल्तमिसु लैलतुल कद्र फिल अश्र अवाखिरी, रमदान की आखिरी लैलतुल कद्र को ढूंढो फिल अश्र अवाखिरी। जरा यहाँ पे क्या ना ट्रांसलेशन मिस्टेक है, ये बता दो कि यहाँ पे ताक रातों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है लास्ट 10 रातों में ढूंढने की बात हो रही है। मिन रमदान फी वित्रिन फइन्ना कद रायतुहा व नसीतुहा, और खास ढूंढो वित्र में, उसमें ताक आतना, ताक रातों में यानी 21, 23, 25, 27, 29, ट्रांसलेशन मिस्टेक नहीं है, फी वित्रिन आगे दिया हुआ, यानी कि ताक रातों में, और 21, 23, 25, 27, 29 में खास ढूंढो। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फइन कद रायतुहा, मैंने उसे देखा रात को, फिर नसीतुहा, और फिर मुझे भुला दिया गया, मतलब मुझे भुला दिया गया देखने के बाद। तो मैंने देखा और फिर मुझे भुला दिया गया, तो यानी कि ये जो थी ना ये 21, 23, 25, 27, 29 इसी में थी, और हमें हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई गई थी और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भुला दी गई थी ये रात। हाँ ये भुला देना भी अल्लाह के इल्म में है, और आपको पता है ना भुलाने का वाकया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया सही बुखारी हदीस है, खरच तू ली उखबिरकुम बिलैलतिल कद्र, मैं निकला था कि तुम्हें खबर दूं लैलतुल कद्र की, फतलाहा फुलानुन व फुलानुन, मैंने फलां फलां को झगड़ा करते देखा, फरुफियात उसका इल्म उठा लिया गया, लैलतुल कद्र का इल्म आया था दुनिया में कि उसको कैसे पाए, उसका क्या तरीका है पाने का, और उसका इल्म उठा लिया गया, क्यों? क्योंकि दो लोगों का इख्तलाफ आपस में हो रहा था, कोई बात में झगड़ा हो रहा था, और इस वजह से इल्म उठा लिया गया, इसमें तालीम ये मिली
कि तुम लोग आपस में झगड़ा करोगे तो तुम्हारे पास से इल्म चले जाएगा। हाँ, आपसी इख्तलाफ यानी अननेसेसरी इख्तलाफ, बड़ा इख्तलाफ, जैसे बाज लोग होते हैं ना इख्तलाफ बड़ा इख्तलाफ करते हैं। एक होता है ना कि भाई सही इसलाह करने की कोई कोशिश कर रहा है कि देखो ये सही है, ये साबित है, सही बात है। लेकिन एक होता है कि जस्ट झगड़ा, क्योंकि झगड़ा करना है तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास से इल्म चले जाएगा। ये हमारे लिए एक वार्निंग वाली बात है और अल्लाह बेहतर जानता है कि उसका इल्म उठा लेने में क्या हिकमत है। अच्छा, ये हदीस देखिए, इल्तमिसु फिल अशर अलआखिर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लैलतुल क़द्र को आखिरी दस रातों में ढूंढो ढूंढो, यानी लैलतुल क़द्र। फइन दौफा, अगर तुम कमजोर पड़ो, इन फइन दौफा अहदुकुम, तुम में से कोई अगर कमजोर पड़े, और अजज़ा, या पूरी दस रातों में तुम कमजोर पड़ गए थे स्टार्टिंग में, या कमजोर हो गए थे, आजिज आ गए थे, थोड़ा सा हार गए थे, फला युग्लबन्ना अला सबइल बवाकी, तो कम से कम लास्ट सेवन में कोई तुम इसमें कोई तुम पे तुम उसमें हार मत जाना, कम से कम उसमें कोई तुम पे ये जो चीज, ये जो सुस्ती तुम पर गालिब ना आ जाए, कम से कम सेवन लास्ट में। मतलब कि तीन बातें आई, लास्ट टेन में ढूंढो, ताक रातों में ढूंढो, कम से कम आखिरी हफ्ते में तो कमजोर नहीं पड़ना, तीन बातें हैं। तो दस में ढूंढो सबसे बेस्ट है कि पूरी दस के दस में करो, और उसके बाद सेकेंड है कि कम से कम ताक रातों में करो, और उसके बाद थर्ड चीज है कम से कम आखिरी एक हफ्ते में कमजोर नहीं पड़ना। मतलब अगर कमजोर पड़ गए तुम तो कम से कम लास्ट वीक में तो अपने आप को कमर कस करके टाइट कर लो। हाँ, तो ये बात है। चलिए, लैलतुल कद्र को कैसे पाएं, हम ये टॉपिक पे आते हैं, लैलतुल कद्र को कैसे पाएं। तीन हाथ ऊपर है, मैं उन्हें पहले मौका दे देता हूँ। चलिए, मौजू से रिलेटेड सिस्टर सना सुल्ताना, सिस्टर अनीसा और सिस्टर आफरीन, जी यहाँ से रिलेटेड कोई बात हो तो पूछ लीजिए शॉर्ट में। जी सिस्टर, आपकी आवाज बराबर नहीं है, रिपीट करें। सिस्टर सना आप बोल सकते हैं, सिस्टर सना या सिस्टर अनीसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, रात या आखिरी अश्रे में, रात में जब कयामुल लैल किया जाए, क्या सलात तस्बीह की नमाज पढ़ा जा सकता है? आखिरी अश्रे में क्या कहा आपने? सलात तस्बीह की नमाज पढ़ा जा सकता। अच्छा अच्छा अच्छा, सलात तस्बीह। सलात व तस्बीह के ताल्लुक से इख्तलाफ है उलमा में। बाज़ उलमा उसकी हदीस को ज़ईफ कहते हैं, लेकिन बाज़ उलमा जैसे शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह ने उसकी हदीस को बताया कि हसन दर्जे तक पहुंचती है, तो वो दिन साल में कभी भी पढ़ सकते हैं। जो अगर आप ये मानते हैं कि इसकी सनद साबित है तो कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बाज़ का इख्तलाफ है। मैं इस टॉपिक में अंदर जाके समझ नहीं पाया हूँ कि किसके दलायल ज़्यादा मजबूत है। दोनों उलमा सही उलमा है, बाज़ उलमा कहते हैं ज़ईफ है, और इसमें कैसा है ना, जितना स्टडी करेंगे उतना बात वाज़े होगी। तो मैं अभी वो स्टेज में हूँ जिसमें मैंने दोनों उलमा की बातें सुनी, और लेकिन मैं खुद चेक नहीं कर पाया हूँ कि किसकी बात ज्यादा मजबूत है। बज़ाहिरन शेख इब्न उसैमीन जो कह रहे हैं बज़ाहिरन सही लग रही है, तो फिर साल में कभी भी कर सकते हैं। आखिरी दस रातों में अगर आपके पास ज्यादा जज्बा है, आप तभी करना चाहते हो तभी कर सकते हैं इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट सिस्टर सना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी बहन बताइए क्विकली। सर हम ये पूछ रहे थे कि अगर कोई पूछे कि सलात तस्बीह की नमाज जिंदगी में एक बार तो ही पढ़ना चाहिए, तो उनको कैसा जवाब दें कि ये सही हदीस से साबित नहीं है या कभी? तो वही जो मैंने अभी जवाब दिया ना, जो मैंने बताया अभी, वही जवाब है उसका। जी जो मैंने अभी बताया कि उल्मा में इख्तलाफ है, उसमें अगर कोई उस राय का है उनके पास नजदीक, अगर ये है साबित नहीं है तो आप झगड़ा आपस में ना करें। ठीक है, चलिए मैं समझता हूँ। और एक लास्ट सिस्टर सना। चलो कोई बात नहीं, हम रीस्टार्ट करते हैं, लास्ट में आएंगे सवाल जवाब पे वापस इंशाल्लाह। चलिए, तो लैलतुल कद्र कैसे पाएं, हम आते हैं अगला सेक्शन, लैलतुल कद्र। अगले सेक्शन लैलतुल कद्र कैसे पाएं। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लैलतुल कद्र सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतुल कद्र, हमने कुरान को नाज़िल किया लैलतुल कद्र में। वो मा लैलतुल कद्र, और क्या तुम्हें बताएगा लैलतुल कद्र क्या है। लैलतुल कद्र खैरु मिन अल्फ शहर, लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है, यानी एक रात जो 1000 महीनों से मंथ से बेहतर है, यानी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एक रात में 83 ईयर से ज्यादा की इबादत का सवाब है वो। तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, उस रात में फरिश्ते और अर्रूह जिब्रील नाज़िल होते हैं उस रात में, बिइज़्नि रब्बिहिम उनके रब की मर्जी से, मिनकुल्ली अम्र हर फैसले, हर अल्लाह के फैसले को लेकर।
हाँ फैसले को लेकर, ये फैसले की हदीस हमें डिटेल मिलने वाली है। तनज़ल सलामुन ही हत्ता मतलब फजर, तो सलामती है तुरोए फजर तक। हाँ तो ये हमें मिल रही बात। और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन नसाई की हदीस है, लिल्लाही फीही लैलतुन, रमदान में एक ऐसी रात है, खैरु मिन अल्फी शहर, जो 1000 महीने से बेहतर है, मन हुरिमा खैरहा फकद हुरिमा, जो उस रात के खैर से महरूम हुआ वो वाकईतन महरूम है, वो रियली महरूम है। हाँ तो हम देखते हैं कि महरूम है वो शख्स जो लैलतुल कद्र को मिस कर गया। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इमेजिन करो, एक रात जो 83 ईयर्स से ज्यादा की वैल्यू है उसकी, एक रात 1000 महीने से ज्यादा की वैल्यू है। तो ये सुभान अल्लाह, ये एक रात का अल्लाह ताला ने मौका दिया हमें रमजान के महीने में, और इस चीज को हमें खोना नहीं चाहिए ये मौके को। हाँ और इसमें ये देखिए, ये रात में क्या होता है, एक चीज जो है ना, तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, जो मिन कुल्ली अम्र दिया है उसकी और तशरीह यहाँ पे ये भी है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बताते हैं, इन्नका लतरा रजुला यमशी फिल अस्वाक, तुम देखते हो एक आदमी को बाजार में चल रहा है, वक़द वक़ा इस्मुहु फिल मौता, लेकिन उसका नाम मुर्दों की लिस्ट में आ गया है, उसका नाम मुर्दों की लिस्ट में है, बाजार में चल रहा है लेकिन उसका नाम मुर्दों की लिस्ट में है। सुम्मा क़रा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, उन्होंने फिर कुरान की आयत पढ़ी सूरह दुखान से कि ये हमने इस कुरान को नाजिल किया लैलतिन मुबारका, एक बाबरकत रात में नाजिल किया, इन्ना कुन्ना मुंदिरीन, हम लोगों को ये वार्निंग डराने वाले ही थे, फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, उस रात में सारे हिकमत के फैसले वाजे किए जाते हैं, सारे हुकूमत के फैसले वाजे किए जाते हैं। फिर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा, सहाबी रसूल, यानी लैलतुल कद्र, वो रात लैलतुल कद्र। अच्छा बाज एक बात बता दूं, बाज लोग क्या कहते हैं, ये सूरह दुखान की जो आयतें ये 15 शाबान के ताल्लुक से कहते हैं, लेकिन नहीं, ये बात सहाबी रसूल ने वाज़ किया कि ये जो आयतें हैं ये भी लैलतुल कद्र के बारे में। और सोचो तो सही कि कुरान नाजिल हुआ कौन से महीने में, शाहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमदान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। और इस आयत में क्या आ रहा है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, एक बाबरकत रात में नाजिल हुआ, तो वो रात शाबान में कैसे होगी, वो तो रमदान की ही रात है ना, और लैलतुल कद्र है, यानी लैलतुल कद्र सहाबी रसूल कहे। लेकिन अब चलो टॉपिक पे आते हैं, आगे देखिए, काला फफी फी तिलकल लैला, उस रात में युफ़रक़ु अम्रु दुनिया इला मिथ्लिहा मिन क़ाबिलिन, दुनिया के जो मामले है वो वाज़े किए जाते हैं कि ये साल क्या है, वो अल्लाह ताला की तरफ से दुनिया में ये नाजिल होते हैं, वाज़े किए जाते हैं कि आने वाले साल में क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये हदीस में जो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कह रहे हैं ना शुरुआत में कि तुम एक आदमी को देख रहे हो बाजार में चल रहा है लेकिन उसका नाम मुर्दों की लिस्ट में है, मतलब ये कि जो लैलतुल कद्र में जो लिस्ट आती है, पिछले साल रमदान में ये लिस्ट आई, क्या आई कि कौन कौन हम में किस किस का इंतकाल होने वाला है, और जिन जिन का नाम वो लिस्ट में था वो लोग गए, अभी भी लैलतुल कद्र तक जितने लोग जाने वाले हैं उनका नाम वो लिस्ट में है। और आप सबको बता दूं कि पिछली लिस्ट में आप सबका नाम जो यानी अभी तक के दिनों में तो नहीं था, इसीलिए तो हम लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन अभी लिस्ट आने वाली है फिर से, उसमें हो सकता है आ जाए, और अगर नहीं भी आया तो कोई ना कोई लिस्ट, किसी ना किसी साल की लिस्ट आएगी, उसमें आपका मेरा नाम रहेगा और हम इस दुनिया से जाएंगे। तो लैलतुल कद्र में अगले साल के फैसले नाजिल होते हैं, जैसे कि हमें इस हदीस से पता चलता है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनें, गोल क्या है, गोल ये है, मन कामा लैलतुल कद्री, जो लैलतुल कद्र में कई ईमान क़ियामुल लैल करे, ईमानन व इहतिसाबन, ईमान के साथ सवाब की उम्मीद से, गुफिर लहु मा तक़द्दमा मिन ज़म्बी, उसके पिछले गुनाह माफ होते हैं। तो आइए इस चीज को देखकर सबसे पहली चीज हम क्या देख रहे हैं, लैलतुल कद्र में क़ियामुल लैल पे फोकस करो, बेहतरीन क़ियामुल लैल करें, अच्छा क़ियामुल लैल करें, और अच्छी तरह से क़ियामुल लैल करें, इत्मीनान के साथ करें। हाँ ये एक बेहतरीन चीज है जो लैलतुल कद्र में कर सकते हैं। फिर खास दुआ जो लैलतुल कद्र की है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, या रसूल अल्लाह अराइता इन वाफ़क़्तु लैलतुल कद्र, अगर मुझे लैलतुल कद्र मिलने का ये इत्तेफाक हो, तो अगर मिल जाए इतनी मिल जाए अल्लाह नसीब हो, तो मा अदू, मैं क्या दुआ करूँ, काला तकुलीना, तुम ये कहो अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल अफ़, अल्लाहुम्मा इन्नका अफून, एक हदीस में आता है अफून करीम, अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी, अल्लाह तो माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद करता है, तो मुझे माफ़ कर दे, हाँ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये जो अल्लाह से माफ़ी मांगने की दुआ हमें मिलती है, ये दुआ तो सबको उम्मीद याद होगी, ये दुआ कसरत से पढ़ना और मीनिंग के साथ पढ़ना और दिल से पढ़ना, अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद करता है। तो ये जो बात है कि भाई अल्लाह माफ़ करना पसंद करता है, इसमें इशारा है
कि हम भी माफ कर दें, और हम ये माफ करते हैं तो अल्लाह खुद भी माफ करना पसंद करता है और हम माफ करें ये भी अल्लाह पसंद करता है। फाफो अन्नी, तो मुझे माफ कर दे। हाँ ठीक है। लैलतुल कद्र कैसी रात है? तो लैलतुल कद्र बलजतुन, हाँ बलजतुन एक मुतवसत एवरेज मीडियम किस्म की रात है। ला हारतुन वला बारिदतुन, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडी, यानी जो जो भी क्लाइमेट आपकी कंट्री में चल रहा है, सिटी में चल रहा है, बहुत गर्म भी नहीं बहुत ठंडी नहीं, यानी बाकी रातों के कंपेयर में एवरेज रहेगी। वला सहाबा फीहा, उसमें बादल नहीं होंगे। वला मतर, ना बारिश होती है। वला रीह, ना हवा तेज होती है। वला युरमा फीहा बि नजमिन, ना उसमें ये यानी शूटिंग स्टार जो जिसे कहते हैं कि जिसे कहते हैं कि कॉमेट कॉमेट या ये उसमें रात में नहीं होते। वमिन अलामती यौमहा, उसके दिन की अलामत ये है, तत्लो शम्सो ला शुआला, कि उसके बाद जो सूरज निकलता है ऐसा लगता है जैसे कि सूरज में वो रोशनी नहीं है, मतलब सूरज के अंदर ऐसा लगता है कि बिल्कुल डल जैसा सूरज आ रहा है। ये उसके बाद का सूरज, जो नेक्स्ट डे सूरज उगता है, उसकी ये चीज मिलती है। ठीक है। ये लैलतुल कद्र के ताल्लुक से कैसे पाए के अंदर मैं आपको एक बात बता दूं, लैलतुल कद्र के ताल्लुक से मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स क्या क्या करनी चाहिए। तो लैलतुल कद्र में हम सबसे पहले ये करें लैलतुल कद्र में कि क़ियामुल लैल बेहतरीन करें, ज्यादा से ज्यादा करें, लंबा से लंबा करें, दुआएं करें, कसरत से दुआएं करें। फिर टाइम बच रहा है तो कुरान की तिलावत करो, हाँ कुरान की तिलावत करें, और इसके अंदर थोड़ा हिस्सा बाज़ हिस्सा नसीहत, ताकि जज्बा जोश आ जाए लोगों में, जज्बा आ जाए उसके लिए हो सकता है बाज़ हिस्सा। लेकिन बाज़ लोग क्या है ना, पूरी रात का प्रोग्राम करते हैं, पूरी रात प्रोग्राम में ही है साथ में, तो पर्सनल इबादत का मौका ही नहीं मिलता है, दुआ करने का पर्सनली मौका नहीं मिलता है, क़ियामुल लैल का मौका नहीं मिलता है, यानी लंबा क़ियामुल लैल खुद करें। तो ये चीज़ यानी उलमा ने नापसंद किया है कि फुल रात का प्रोग्राम करना नहीं चाहिए। हाँ कुछ हिस्सा है, थोड़ा हिस्सा वो कर सकते हैं, इसकी इजाज़त दी है उलमा ने। और लैलतुल कद्र में और क्या करें, सोशलाइज बिल्कुल नहीं करें, जैसे बाज लोग हैं ना कि लैलतुल कद्र में लाइट्स लगा देते हैं और यंगस्टर्स निकलते हैं बाइक्स लेकर और फिर जाग रहे हैं, कैसे भी जागने वाली रात है, जागना क्या चीज़ के लिए जागने वाली रात, फिर बच्चे यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं बिल्कुल जैसे लग रहा है कि खेल कूद का दिन है, खेल कूद की रात है ये, तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लैलतुल कद्र को कैसे पाएं, हमें उसके अंदर ये टाइम वेस्टर्स से कैसे डेफिनेटली बचना है, टाइम वेस्टर्स से, मोबाइल लेके बैठे हैं, सोशल मीडिया में बैठे हैं, बहुत स्पिरिचुअल लग रहा है, अरे कीप क्वाइट, अपना इबादत करो, हाँ इबादत करो, क्या फोकस करो, इबादत पे फोकस करो, अल्लाह पे फोकस करो। ये सोशल मीडिया में पोस्ट डालने का वक्त उसमें नहीं भाई, चैटिंग कर रहे हैं अननेसेसरी, उसकी जगह पे ज्यादा ये करें कि इबादत पे फोकस करें और इबादत पे ध्यान लगाएं, 1000 से साल से बेहतर, यानी काम बन जाएगा मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मनहुरिमा खैर रहा फकत हुरिमा, जो उसके खैर से महरूम हुआ तो यकीनन महरूम है, अपने आप को महरूम मत करो ऐसा करके, मतलब इस तरह से मौके को जाने मत दो। आपको जिंदगी में ईमान के साथ और जज्बे के साथ, आपका जज्बा अच्छा है माशाल्लाह, आपका ईमान का जज्बा अच्छा है, और आप ऐसी रात को मिस करो तो ये अफसोस की बात होगी ना, ये ऐसे मिस नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट मिस, ये बात खास इस बात का ख्याल रखें इंशाल्लाह। और लैलतुल कद्र को कैसे पाएं इस तालुक से, नंबर 4 एतकाफ, क्या क्यों कैसे। तो आप देखिए एतकाफ जो है इसका खास मकसद क्या है, एतकाफ का खास मकसद लैलतुल कद्र को पाना, याद रखिए एतकाफ का खास मकसद क्या है, सब काम धाम छोड़कर आदमी मस्जिद में इबादत करेगा तो उसके लैलतुल कद्र पाने के चांस बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे, और इसकी वाज़ह दलायल भी। तो आइए हम देखते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से एतकाफ है, कुरान में आता है वो अहिदना इला इब्राहिम व इस्माईल अन तौहिरा बैतिया लित्तौईफीन वल आकिफीन व रुक्अ सुजूद, हमने इब्राहिम और इस्माईल को फरमाया कि मेरे घर को खास खास साफ करो, जो जो मस्जिदुल हराम है उसे खास साफ रखो, तवाफ करने वालों के लिए, एतकाफ करने वालों के लिए, और रुकू और सजदा करने वालों के लिए। तो एतकाफ करना वहां से जिक्र हमें मिल रहा है। और एतकाफ के ताल्लुक से एक बात बताऊं, वला तुबाशिरुहुन्ना वा अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपनी बीवियों के साथ ताल्लुकात मत कायम करो, मुबाशरत मत करो जब तुम मस्जिद में एतकाफ कर रहे हो। तो एतकाफ की जगह कौन सी है, मस्जिद है, आकिफूना फिल मसाजिद, एतकाफ कहाँ है, मस्जिद में है, ये बात याद रखिए, एतकाफ कहाँ है, मस्जिद में है। तो बाज लोग जैसे घर ही में एतकाफ करते हैं, और खास तौर से बहनें बोले हम लोग घर ही में एतकाफ कर लेते हैं, लेकिन लेकिन एक चीज़ की जगह फिक्स होती है ना, जैसे तवाफ करना है कहाँ करना है, हरम में करना है, जो काबे का तवाफ करना है, कहीं और तवाफ तो नहीं कर सकते ना, सही करना है, कहाँ करना है, सफा से मरवा, मरवा से सफा, ये सही है। अब जगह नहीं चेंज कर सकते हैं, जो चीज़ की जगह तय है अल्लाह की तरफ से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में मिलता है
एतकाफ मस्जिद में है, आपकी फूना फिल मसाजिद अल्लाह ने कहा, एतकाफ मस्जिद में तुम कर रहे हो, तो घर में एतकाफ करना नहीं मिलता। तो बाज़ लोग जो एतकाफ घर में करते हैं वो सही नहीं है, साबित नहीं है, ये एक बिदत है, उलमा ने इसे बिदतों की लिस्ट में शुमार किया, इससे बचे, उसकी जगह पे आप बैठ के अल्लाह की इबादत करो, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन एतकाफ कहना गलत है। अब जैसे मिसाल के तौर पर लॉकडाउन में बाज़ लोग कहते थे कि भाई मस्जिद में जाके एतकाफ करने नहीं मिल रहा है तो हम घर में कर सकते हैं, तो आप देखो कि हरम में जाके उमरा करने नहीं मिल रहा है तो घर ही में उमरा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना, जो चीज़ की जो जगह है वो जगह है, तो वो जगह पे ही हमें करना है, ठीक है। अच्छा, मस्जिद के ताल्लुक से बाज़ उलमा का एक कॉल है, वो कहते हैं कि तीन बड़ी मस्जिदों में ही एतकाफ है, मस्जिद हरम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा। लेकिन बाकी उलमा कहते हैं कि जो मस्जिद फुल मस्जिद है जो उसके अंदर कर सकते हैं, यानी जो मुसल्ला होता है ना, जैसे शॉपिंग सेंटर में, मॉल में, एयरपोर्ट पे कोई मुसल्ला है जहां लोग नमाज पढ़ते हैं, कोई कंपनी में, तो वहां पर एतकाफ नहीं कर सकते, मस्जिद होनी चाहिए। अंतुम आपकी फूना फिर मसाजिद, जो मस्जिद में शामिल है वहीं पर एतकाफ हो सकता है। आगे हम ये देखते हैं एतकाफ की मिनिमम मुद्दत क्या है, कम से कम एतकाफ कितना होना चाहिए। ये हदीस देखिए आपके लिए मसला वाज़ेह होगा। अन उमर इब्न अल खत्ताब अन्नहु क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर इब्न अल खत्ताब कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस सही बुखारी में है, वो कहते हैं अन्नहु क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा, उमर अदला ने कहा, इन्नी नज़रतु फिल जाहिलियति अन आतकिफा लैलतन फिल मस्जिदिल हराम, मैंने जाहिलियत के जमाने में एक एक मन्नत की थी कि मैं एक रात एतकाफ करूंगा मस्जिद हराम में। क्या मन्नत किए थे उन्होंने? एक रात एतकाफ करेंगे मस्जिद हराम में। अब जो मन्नतें जायज नहीं है उसका मन्नतों को तोड़ने का सिखाया, जैसे नाजायज चीजें हैं ना, गलत चीजें हैं, उसके लिए तोड़ने सिखाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसका कफारा देने सिखाया। लेकिन यहां पर जो ये मन्नत की थी कि मैं मस्जिद हराम में एक रात, लैलतन, एक रात का एतकाफ करूंगा, फकाल लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औफी नजरक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपनी मन्नत को पूरा कर लो, फातकफा लैलतन, तो उन्होंने एक रात एतकाफ किया। इसे दलील बताकर बाज़ उलमा कहते हैं कि कोई भी मिनिमम मुद्दत साबित नहीं है, एक रात भी आदमी एतकाफ कर सकता है, एक दिन भी कर सकता है। तो 10 दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे आखिरी अशरे में, आखिरी 10 दिनों में 10 दिन का एतकाफ किया करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बेस्ट है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मिनिमम क्या है, एक रात भी कोई कर सकता है एतकाफ, एक दिन भी कर सकता है एतकाफ। तो बाज़ लोग कहे गलत है भाई, तुम एतकाफ में आया भी जा नहीं सकते, 10 दिन तक ही करना रहना पड़ेगा। तो ये दलील है कि कभी कोई अगर नहीं रह सकता, किसी की ताकत कैपेसिटी उसके लिए मौका अरेंजमेंट एक ही का हो रहा है, तो आज एक ही दर्द है, और ये भी साबित है। ये आपके सामने मैंने जो दलील रखी, दलील के साथ में बात रखी, उलमा में इख्तलाफ है इस मौजू पर, बाज़ उलमा ये कहते हैं नहीं 10 ही होना चाहिए, लेकिन ये दलील की वजह से जो उलमा कहते हैं कि इसकी मिनिमम मुद्दत नहीं है, उनकी दलील ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है। हाँ, ये बात देखिए, आखिरी 10 दिन एन अब्दुल्ला, आखिरी 10 दिनों में खास बेहतर है, एन अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अलास रदुमा काला काना रसूलुल्लाह या तकीफुल अशर अल अवाखिरी मिन रमदान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमदान के आखिरी अशरे में 10 रातों में 10 दिनों में एहतिकाफ किया करते थे, तो ये बेस्ट है, 10 10 कम से कम रहे एहतिकाफ कर सकते हैं। ये शकील भाई, व्हाट्स योर क्वेश्चन? यहाँ पे सलफ सॉलिन स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि अगर आप तरावी को भी नमाज में मस्जिद में जा रहे हो या क्याम के लिए जा रहे हो तो आप एहतिकाफ की नियत करके जा सकते हो, तो इस हाँ मतलब 1 घंटे के लिए भी आदमी एतकाफ की नियत कर सकता है, बाज़ उलमा कहते हैं क्योंकि मिनिमम कोई लिमिट नहीं, हाँ मिनिमम कोई लिमिट नहीं है, नियत कर सकता है आदमी कि वो 1 घंटा में एतकाफ की नियत है। लेकिन एतकाफ के फिर रूल्स भी आते हैं, अगर एतकाफ कर रहे हो तो एतकाफ के रूल भी फॉलो करना होगा, क्या रूल्स हम देख रहे हैं, ठीक है। तो एतकाफ के लिए जब जाते हैं तो कोई हाजत के लिए मस्जिद से बाहर आ सकते, कोई हाजत जैसे टॉयलेट वगैरह, कान नबी इज़ा तकफ़ा, जब नबी एतकाफ करते युदनी लैया रौसहू, मस्जिद में से ही सर को अपने नबी आयशा दुल्हनिया के पास देते हैं, तो उरज्जिलहु, आयशा दुल्हनिया कहती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों को कोम करती, बाल लंबे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वकाना ला यदखुलुल बैता इल्ला लिहाजतिल इंसान, और घर में आते तो सिर्फ कोई इंसानी हाजत के लिए, ऐसे टॉयलेट वगैरह के लिए आते, तो कोई जरूरत के लिए मस्जिद से बाहर जा सकते हैं, हाँ जरूरत के लिए। और इसके अंदर बीवी से ताल्लुकात बिल्कुल मना है, एतकाफ एतकाफ कर रहे हो तो घर पे गए कोई और चीज के लिए, तो भी बीवी के साथ रात के वक्त में भी जाके ताल्लुकात नहीं कायम कर सकते क्योंकि एतकाफ कर रहे हो, कोई एतकाफ की नियत से है तुम वो भी। तुम एतकाफ में क्या नहीं कर सकते हैं, तो अस्सुन्ना, आयशा दिलाना कहती है सुन्नत दाऊद में ये अस्सुन्ना अलल मोतकिफ, मोतकिफ एतकाफ करने वाले की सुन्नत यह है, अल्लाह यऊद अल मरीज, मरीज की आदत ना करे, वला यशहद अल जनाजा, ना जनाजे में जाए, मतलब आप नेसेसरी चीज टॉयलेट जितना जा सकते हो लेकिन जनाजे में नहीं जा सकते हो, मरीज की इबादत नहीं करने जा सकते हो, वला यमस्सा इमरातन,
ना अपनी बीवी को के साथ ताल्लुकात कायम करे, हाँ वला युबाशी रहा मतलब ना छुए ना उसके साथ वो ताल्लुकात कायम करे, वला यखरुजा लिहाजतिन इल्ला लिमा ला बुद्दा मिन्हु, ना कोई हाजत के लिए निकले सिवाय जब बहुत ही नेसेसरी हो, वला आतकिफा इल्ला बिसौमिन, एतकाफ नहीं होता सिवाय रोजे के साथ, ये आयशा रदी अल्लाह ने कहा, लेकिन इस बारे में उलमा में इख्तिलाफ है, बाज़ सलफ में ही दूसरी बात भी मिलती है, वला आतकिफा इल्ला फी मस्जिदिन जामेन, वो कहते हैं एतकाफ नहीं होता सिवाय जामे मस्जिद में, मतलब मस्जिद जो जुमा जिसमें होता हो वैसी मस्जिद हो, तो ये उन्होंने फरमाया। बाकी जुमा मस्जिद के ताल्लुक से ये बात भी उलमा में है, यानी इख्तलाफ इसमें, लेकिन ये है अल्लाह वाला। तो एतकाफ के ताल्लुक से चंद रूल्स देख लेते हैं। देखिए एतकाफ जब कर रहे हैं ना तो उसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेमे में होते हैं। अब खेमे में होते हैं यानी कि अपना खेमा मस्जिद में होता है उनका, यानी कि लोगों से थोड़ा सेग्रीगेटेड होते हैं। तो बाज़ लोग एतकाफ में दोस्त लोग बैठे हैं बातें कर रहे हैं, एतकाफ कर रहे हैं, ये थोड़ी एतकाफ, ऐसे थोड़ी होता है कि बातें कर रहे हो, बातें कर सकते हो मिनिमम नेसेसरी, जितनी बहुत जरूरी, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनकी बीवियों में से आई थी और एतकाफ में थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में, मिलने आई थी कुछ बात पूछने, कुछ सवाल पूछने बात करने आई थी, बात करके वो गई सफिया रदी अल्लाह अन्हा, तो आ सकते हैं बात कर सकते हैं, लेकिन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ने के लिए दरवाजे तक आए और दो सहाबी देख करके जाने लगे कि कौन खातून ने जाने लगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह रिस्ती कुमार तुम दोनों ध्यान दो, ये मेरी बीवी सफिया बिनत हुया ही है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाजे किया ताकि, और फिर कहा कि इन शैतान यजरी मिनल इंसानी मजरद्दम, शैतान इंसान के रगों में खून की तरह दौड़ता है, हाँ तो उनके सामने वाजे किया ताकि वो गलत ख्याल कभी ना करे। तो हम ये देखते हैं बात यहाँ टॉपिक ये है कि कोई मुख्तसर बात हो सकती है, लेकिन गप्पे मार रहे हैं बैठे हैं बातें कर रहे हैं एतकाफ कर रहे हैं, ये नहीं होता है ना एतकाफ। खेमे का मकसद क्या है? सेग्रीगेशन ना। तो खेमा यानी कभी कई मस्जिदों में ये होता है कि कुछ ऐसे बांध करके खेमा बनाते हैं, वो अच्छी चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए एतकाफ के ताल्लुक से मैं आप सबको एक बात बता दूं, हमारे माशरे में बहुत सारी ज़ईफ़ हदीसें मशहूर हैं कि जो एतकाफ करेगा उससे इतने 100 साल तक जहन्नम से दूर हो जाएगा या इतनी बड़ी खाइयाँ ये मिलेगा वगैरह, सब हदीसें ज़ईफ़। एतकाफ की खास फजीलत के ताल्लुक से कोई भी एक हदीस सही नहीं मिलती है, लेकिन क्या ये काफ़ी नहीं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल किया, क्या ये काफ़ी नहीं है कि वजू के साथ जब मस्जिद में बैठते हैं ना तो आपको नमाज का सवाब मिलता है, मालूम है सिर्फ वजू की हालत में बैठो तो नमाज का सवाब मिलता है, आप नहीं पढ़ रहे हो तो भी नमाज का सवाब मिलता है, और आप इबादत कर रहे हो तो सवाब मिल रहा है, आप खास जब सब काम से फारिग हो लैलतुल कद्र मिलने के डेफिनेटली बेटर चांसेस हो जाते हैं। एक होता है ना दुनिया की मशगूलियात में कुछ ना कुछ हमारा फोकस डाइवर्ट होता है, तो एतकाफ जब आदमी कर रहा है उसके बेहतर चांसेस है कि उसे लैलतुल कद्र को पाले, इसमें कोई शक नहीं, 1000 महीने से बेहतर। हाँ तो ये क्या काफ़ी नहीं, क्या हमें वो ज़ईफ़ हदीसें जिसमें जो गैर साबितशुदा हदीसें चाहिए ही चाहिए कुछ मोटिवेट करने के लिए, क्या जो साबितशुदा है वो काफ़ी नहीं हमारे लिए? टाइम हो गया क्योंकि यहाँ पे जमात है अभी 5 मिनट में, तो बस इतना हम फिनिश करते हैं। चलिए तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतरीन इबादत करो और आपकी बेहतरीन रमजान गुजरे, आगे के 15 दिन इंशाल्लाह, आखिरी 10 रातें भी बेहतरीन गुजरे, आखिरी 10 दिन गुजरे बेहतरीन गुजरे, और आप हम सबको अल्लाह ताला लैलतुल कद्र पाने के लिए हमें तौफीक दे, लैलतुल कद्र हमें मिल जाए नसीब हो जाए, तो ये चीज़ है, अपनी जद्दोजहद पूरी करिए इंशाल्लाह, पूरी कोशिश करिए, लअल्लकुम तत्तकून का महीना है, तकवा सीखने का महीना है, अल्लाह से दुआ अल्लाह हम सबको अपने गुनाहों से तौबा करके नेक जिंदगी गुजारने के अल्लाह हमें तौफीक दे, आमीन। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम सर।